पर फिर से तो स्वागत है राज्य व्यवस्था बिहार, बिहार की, की पॉलिटी बिहार का प्राचीन इतिहास उसकी संस्कृति मध्यकालीन इतिहास स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की क्या भूमिका रही है आंदोलनों के अंदर में बिहार की क्या भूमिका रही है भौगोलिक जो है जो परिवेश है बिहार का वो देखेंगे हम लोग जनगणना और जो है फ्रेंड्स यहाँ परिवहन के बारे में भी बात करेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट लेक्चर है ठीक है तो आज मैं आप लोगों से एक चीज चाहूंगा प्लस बच्चे होने तो हर एक बच्चा, जितने लोग देख रहे हैं, like दबा के कर पर में, ताकि यहाँ से स्टार्ट करने के बाद में यहां तक जब तक मैं पहुंचू तब तक पूरा जो है यहाँ पर मोटिवेशन रहे क्या आप लोग तैयार है सभी लोग जल्दी से बता देंगे क्या तैयार है सभी के सभी लोग सोशल आर्मी पूरी तैयार है ठीक है हर एक जगह पे दो हजार से ज्यादा आप लोगों ने लाइक कर दिए फ्रेंड्स लेकिन एक बार आप लोगों को सभी लोगों को मिलकर एक एक बच्चे को अपनी जिम्मेदारी समझ के यहाँ पर में शेयर करना पड़ेगा ताकि आज जो हमारा टारगेट है उसी ऊपर में हम लोग यहाँ पर में बन जाए सभी लोग तैयार है यहां पर मे बता दीजिए एकदम जोश के साथ में चलिए तो फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं सबसे पहले यहां पर मैं उन सभी 2000 प्लस बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने सेशन को लाइक्स कर दिए हैं ये सेशन उन सभी लोगों को समर्पित आप अगर इनमें से हो तो आपको समर्पित फ्रेंड्स ये जिन्होंने सेशन को लाइक करके यहाँ पर मैं फ्यूल दे दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ बाकी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ रहा हूं मैं ठीक है देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आया है अलग अलग बिहार के एग्जाम में क्या बोला है बिहार में प्रचलित पारंपरिक कला और शिल्प का सबसे प्रसिद्ध रूप क्या है आप लोगों को पोल जो है फ्रेंड्स आप लोगों के यहां पर मैं आ चुका है पोल तो जल्दी जल्दी से आप लोग बता देंगे इसका आंसर क्या होगा पोल के अंदर में भी आप लोग आंसर कर सकते हो मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों ने क्या सब लोगों ने मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाकर अपना क्या प्रॉमिस पूरा किया है जो प्रॉमिस आप लोगों ने कल किया था मुझसे ठीक है तो देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बिहार में प्रचलित पारंपरिक कला और शिल्प का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है तो देखिए जरी एम्ब्रॉयडरी जो है आप लोगों की ना जरी वाला काम बेसिकली ये सूरत ठीक है सूरत पाटन और बुरहानपुर मध्य प्रदेश का जो है वो वहां पर में बहुत ज्यादा फेमस है जरी वाला काम आपका ठीक है तो बिहार का नहीं है कोल्हापुरी चप्पल कोल्हापुर जो है ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र के अंदर में कोल्हापुर महाराष्ट्र के अंदर में ठीक है आपका आंसर हो जाएगा यहां पर सुजनी या फिर सुजिनी भी इसको कहा जाता है ओके अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ये बिहार के कौन से दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर में फेमस है बिहार के दो जिलों के अंदर में ये की जाती है ठीक है तो आप लोगों को बताना है जल्दी से बताइए तो बिहार के कौन कौन से दो जिले जहां पर मैं सजनी या सुजिनी नाम की जो आप लोगों की सुजिनी या सुजिनी भी इसको कहा जाता है शिल्प कहां पर में फेमस है आप लोगों की ठीक है तो एक है मुजफ्फरपुर और एक है मधुबनी तो लिख लीजिए आप लोग मुजफ्फरपुर मुजफ्फर ठीक है पुर और मधुबनी मधु बनी ठीक है ये याद रखना आप लोगों ने दो जिलों के अंदर में ये जो है शिल्पकला बहुत प्रसिद्ध है आप देख सकते हो इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी वर्क किया जाता है उसके अंदर में ठीक है और काफी सारी चीजें बनाई जाती है जैसे कि आप देख सकते हो ये दुपट्टे वगैरह होते हैं या कर्टन होते हैं आप लोगों के पिलो होते हैं ये सारे के सारे एम्ब्रॉयडरी से बनाए जाते हैं तो भाई एक आप लोगों का क्वेश्चन पर बन गया कि कहां से बिलोंग करती है बिहार से बिलोंग करती है और बिहार में भी कहा से बिलोंग करती है तो ये दो पॉइंट आप लोग लिख दोगे कहा से मुजफ्फरपुर मेन है और कुछ मधुबनी के भी कुछ गांवों के अंदर में ये की जाती है तो मुजफ्फरपुर एंड मधुबनी ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा ठीक है तो आप लोगों ने क्या अपना अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया मैं देखो यहाँ पर में तो जो है फ्रेंड्स एक चीज बस मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं जो आप लोगों ने प्रॉमिस किया था कि पांच हजार प्लस बच्चे जो है पहले क्वेश्चन के अंदर में आप लोग रखोगे ठीक है तो एक बार दबाकर शेयर कर दीजिए हर एक बच्चा सभी के सभी लोग एक साथ शेयर कर देंगे ठीक है उसके बाद में जो है फ्रेंड्स अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे के फ्रेंड्स सेकंड नंबर का क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं ठीक है ठीके? और आप लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा दूंगे ऐसे मेरे को उम्मीद है देखिए बोला गया है कि कौन सी बौद्ध परिषद बिहार में आयोजित नहीं की गई थी इनमें से कौन सी वाली बौद्ध परिषद है जो बिहार में आयोजित नहीं हुई थी ठीक है तो फर्स्ट सेकेंड फोर्थ मोर देन वन ऑफ दी नन ऑफ दी न तो आंसर क्या होगा इसका ये भी बता दीजिए आप लोग आप लोगों के तरफ में जो है पोल आ चुका है ठीक है पोल के अंदर में भी आंसर आप लोग कर सकते हो तो बिहार में आयोजित नहीं हुई थी तो देखिए चार बुद्धिस्ट परिषद हुई आप लोगों की जिसमें से तीन बिहार में हुई थी कौन कौन सी बिहार में हुई थी सबसे पहली वाली हुई थी ठीक है राजगृह के अंदर में राजगृह ठीक है राजगिरह जिसको राजगीर भी कहा जाता है अजात शत्रु के समय में ही आयोजित हुई थी उसके बाद में अगर मैं बात करूं आप लोगों से द्वितीय नंबर की सेकंड नंबर की जो हुई थी ये वैशाली में हुई थी ठीक है काल अशोक के समय में काल अशोक के समय में वैशाली में और तीसरी वाली जो थी ये पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी अशोक के समय में तो ये तीन जो है ना ये पहली तीन ये बिहार में आयोजित हुई थी आज के बिहार में जो चौथी वाली है ये कनिष्क ने आयोजित करवाई थी कहां पर में कुंडलवन कश्मीर के अंदर में तो ये कश्मीर में हुई थी बिहार में नहीं हुई थी तो ये एक पॉइंट था जो आप लोगों ने याद रखना था ठीक है कश्मीर के अंदर में आयोजित हुई थी कुंडलवन के अंदर में किसने आयोजित करवाई थी ये भी पूछा जा सकता है और एक और पॉत है आप लोगों की मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो चौथी बौद्ध परिषद है आप लोगों की ठीक है इसी के अंदर में बुद्ध धर्म दो हिस्सों में टूट गया था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर में ठीक है दो हिस्सों में टूट गया था एक का नाम था यहाँ पर में आपका हिनायान जो पुराना वाला बुद्धिज्म था उसको हिनायान कहा जाता था और जो आपका नया वाला बुद्धिज्म बना उसको महायान कहा जाता था महायान तो हिनायान और महायान ऐसे दो शाखाओं में बुद्धिज्म कब बटा तो ये बटा था आप लोगों का चौथी बौद्ध परिषद के अंदर में ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग ठीक है चौथी बौद्ध परिषद में हिनायान और महायान में बट गया था आप लोगों का ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पर मे चलिए नाउ फ्रेंड्स अब देखिए का टू पॉइंट जीरो को बिहार पॉलिटी मैंने आपसे कहा था कि पॉलिटी भी लेंगे हम लोग यहाँ पर में तो बिहार पॉलिटी से रिलेटेड वाला क्वेश्चन आप लोगों का आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है सभी के सभी लोग जल्दी जल्दी से ठीक है आपके तरफ में पोल भी दे रहा हूं और जितने भी लोग यहां पर में जुड़े हुए फ्रेंड्स जल्दी से, से सेशन को लाइक एंड शेयर कर देंगे आप सभी लोग एक एक बच्चे की जिम्मेदारी है है आप आप लोगों ने कल मुझसे प्रॉमिस किया था कि पहले क्वेश्चन में लोग कर दोगे ठीक तो अगर एक एक बच्चा अपनी जिम्मेदारी निभा देगा तो मुझे लगेगा कि यार हाँ ये बच्चे जो है वो कर रहे इनके लिए भी हमें भी मेहनत करनी है ठीक है सर फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दिया चलो बहुत अच्छी बात है सोमन धमेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जल्दी से देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहां पर मैं कौन कौन से स्टेट्स है जिसके पास में 40 से ज्यादा लोकसभा है मोर देन बोला है यहाँ पर मैं अब एक ऑप्शन यहां पर मैं एलिमिनेट कर सकते थे हम जब हम बिहार के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि बिहार के पास में चालीस लोकसभा की सीटें हैं तो बिहार के पास में मोर देन चालीस तो नहीं है ठीक है और कहीं पे बिहार एलिमिनेट हो सकता है क्या आप लोगों का ठीक है पहला वाला एलिमिनेट हो गया उसके बाद में देखिए उत्तर प्रदेश है ठीक है महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र तमिलनाडु मोर देन वन ऑफ दन ऑफ द तो कौन कौन से जहां पर मैं आप लोगों का एक मतलब 40 से ज्यादा विधानसभा सीटें और मैं आपको बता दू प्रीमियम कंटेंट टीचिंग परीक्षा का प्रीमियम कंटेंट जो आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के इमेज वाले सेक्शन में भी दिया है जिसकी कल टेस्ट है आप लोगों की परसों के दिन टेस्ट है जो आप लोगों की ठीक है उत्तर प्रदेश में अस्सी सीटें हैं महाराष्ट्र के अंदर में अड़तालीस सीटें हैं ठीक है और पश्चिम बंगाल के अंदर में सीटें हैं तो ये तीन राज्य ऐसे हैं जिनके पास में 40 प्लस लोकसभा की सीटें हैं और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है अठारहवे नंबर की लोकसभा बनी है नंबर की सभी लोग लिखेंगे नंबर की लोकसभा बनी है अठारह नंबर की लोकसभा लोकसभा आप लोगों की बनी है ठीक है ये आप लोगों ने याद रखना है एटीन नंबर की लोकसभा ठीक है ओके तो ये याद रखेंगे आप सभी लोग इम्पोर्टेंट uh, है आप सभी लोगों का एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल 80 अड़तालीस और बयालीस फिर बाद में बिहार आता है और उसके बाद में फिर तमिलनाडु तो पहले पांच राज्यों के नाम आप लोग लिख दोगे कमेंट के अंदर में ठीक है जल्दी जल्दी से बी आंसर लगाया था सिक्सटी लोगों ने उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तमिलनाडु क्यों नहीं होगा क्योंकि तमिलनाडु के पास में थर्टी लोकसभा की सीटें है चालीस से कम है ठीक है चलिए तो पहले पांच आप लोगों को याद हो गए ठीक है पहले पांच आप लोगों को ऑटोमेटिकली याद हो गए तो ऐसे भी आप लोग इसको याद कर सकते थे ठीक है चलिए नाउ फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चन है अगर ये आज का लेक्चर देख लिया आप लोगों ने तो एग्जाम वाले क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर पाओगे सारे के सारे ठीक है चलिए देखिए जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले जिलों में न्यूनतम लिंग अनुपात है न्यूनतम लिंग अनुपात कहां पर में है आप लोगों का ये आपको बताना था ठीक है मैंने आप लोगों को थंबनेल में बताया हुआ है कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स है जिन पर मैं बेस्ट क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रहा हूँ ठीक है वो सारे के सारे टॉपिक्स को टच कर रहे हैं हम लोग तो सभी लोग जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे छत्तीस सौ पचासी यहां पर मैं लोग जुड़ चुके हैं मैं चाहूंगा कि एक बार सारे लोग एक साथ शेयर कर देंगे तो हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा ठीक है मोटिवेशन जरूरी है सभी लोगों को आपके लिए भी और टीम के लिए भी तो 2011 के अनुसार बिहार के किस या किन जिलों में न्यूनतम लिंगानुपात है आप लोगों का पूर्णिया रोहतास मुंगेर और भागलपुर तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स मुंगेर और भागलपुर के अंदर में ठीक है मैं आप लोगों को बता दू कि पूरा जो बिहार है ठीक है बिहार उसमें अगर एक हजार लड़के है ठीक है तो नौ लड़कियां है हजार मेल के मुकाबले में फीमेल कितनी है नौ तो ये बिहार का लिंग अनुपात हो गया पूरे बिहार का ठीक है तो हर यहाँ पर में कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं लिख दो आप बता दो यहाँ पर मैं कौन कौन लड़का है यहाँ पर में, कौन कौन लड़की है यहाँ से भी पता चल जाएगा आप लोगों को ठीक है मेल फीमेल का रेशियो यहाँ कितना है एक बार यहाँ यहाँ भी ले लेते ले हैं हम लोग ठीक है क्लास के अंदर में चलिए एक पोल तो यहाँ भी बन जाता है ओके मेल फीमेल आप लोग जब तक मैं समझा रहा हूं तब तक आप लोग जो है यहाँ पर मैं दे सकते हो पोल के अंदर में एक पोल यहाँ भी हो जाएगा ठीक है तो ओवरऑल जनगणना के अनुसार तो इतना था लेकिन मुंगेर और भागलपुर के अंदर में सबसे कम जो है फ्रेंड्स है आप लोगों का ठीक है तो मुंगेर के अंदर में हर हजार लड़कों के मुकाबले के अंदर में केवल आठ लड़कियां है ठीक है और भागलपुर के अंदर में जो है फ्रेंड्स हर हजार लड़कों के मुकाबले में केवल 880 लड़कियां है ठीक है तो सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर में फिर भागलपुर के अंदर में है ठीक है अब ये तो बात हो गई सबसे कम वाली ठीक है अब आप लोगों को ये बताना है फ्रेंड्स आप लोगों से ये क्वेश्चन आप लोगों का आया हुआ एग्जाम के अंदर में ठीक है छब्बीस आठ दो को और ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन था आप लोगों का ठीक है टीचिंग परीक्षा के ऊपर ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाया था मैंने ठीक है सबसे ज्यादा वाला जो है वो भी आप लोगों से पूछा जा सकता है तो वो भी याद रखना आप लोगों ने सबसे ज्यादा कहां पर होता लिंग अनुपात आप लोगों का ठीक है तो ये प्लीज उसको भी याद रखेंगे आप सभी लोग आगे मैं उसके ऊपर में भी बेस्ट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ये आप देख सकते हो गोपालगंज के अंदर में सबसे ज्यादा है एक आपका ठीक है चलिए फीमेल जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में भाई गजब हो गया मैंने आप लोगों का लिया मेल और फीमेल का यहाँ पर मैं जो मेरे पास में सैंपल आया है अभी तक का ठीक है छब्बीस सौ बच्चों का जिसमें से इकतीस प्रतिशत बच्चे यहाँ पर में मेल है इस क्लास के अंदर में ठीक है और सिक्सटी नाइन परसेंट जो है वो फीमेल है तो देख रहे हो आप लोग यहाँ पर में मतलब भाई महिलाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है पढ़ाई में कम संख्या कम है लेकिन पढ़ने के मामले में ज्यादा हो गई है तो ये आप लोगों का रेशियो निकल कर आया अभी जो मैंने पोल कंडक्ट करवाया था यहाँ पर मैं उसमें ठीक है करीब तीन हजार लोगों में के पोल में इतना आया गोपालगंज के अंदर में सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेक्स रेशियो याद आप लोगों ने इक्कीस नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं देखिए आप लोगों से मैंने कहा कि आप लोगों को मैं पुराने एंशियंट हिस्ट्री जो है बिहार की उसको भी टच करेंगे गार्गी मैत्रे और ऋषि कपिल ठीक है इनका घर कहा था ये कहा रहते थे गार्गी कौन है तो गार्गी और मैत्री जो है फ्रेंड्स ये वैदिक एज की महिलाएं हैं वैदिक एज ठीक है वैदिक समय काल की जो है महिलाएं हैं जिन्होंने महिलाएं जिन्होंने अपना योगदान दिया है वेदों के अंदर में गार्गी और मैत्री ऐसी महिलाएं ठीक है, महिलाएं भी हुई है जिन्होंने अपने कुछ सुक्त दिए है ऋग्वेद के अंदर में इसके अलावा कपिल जो है फ्रेंड्स ये एक ऋषि थे ऋषि कपिल इन्होंने क्या किया है इन्होंने जो है फ्रेंड्स सांख्या दर्शन सांख्या संख्या दर्शन जो है आपका संख्या दर्शन संख्या दर्शन ओके उसको प्रतिपादित किया है हमारे भारत के अंदर में छह फिलोसफी है उनमें से एक है कपी आ, संख्या दर्शन उसको इन्होंने प्रतिपादित किया था तो मैंने आप लोगों को यह बता दिया इनके बारे में आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा ठीक है पोल आपके पास में आ चुका है पोल के अंदर में आंसर करने की कोशिश कीजिए आप सभी है, सभी, है, सभी लोग जल्दी से ठीक है तो अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं फ्रेंड सांख्य दर्शन की तो सांख्य दर्शन आ, कपिल जी ने दिया था ये एक नंबर आप लोगों का जुड़ गया यहाँ पर में। ये सारे के सारे मिथिला से बिलोंग करते थे ठीक है इसके आ, जो है मतलब अलग अलग सोर्सेस है सारे इसके अंदर में दिया हुआ है देख सकते हो आप लोग ये जो ब्लू कलर में आपको हिस्सा दिख रहा है बिहार का ये है मिथिला वाला क्षेत्र ठीक है मिथिला तो ये मिथिला से बिलोंग करते थे आ, गार्गी हो जाए मैत्री हो जाए ये दोनों महिलाएं हैं ठीक है जिन्होंने अपना योगदान दिया है ऋग्वेद के अंदर में और तीसरे जो है ऋषि कपिल जिन्होंने सांख्या दर्शन जो है दिया है आपको संख्या दर्शन वो वो भी मिथिला से ही बिलोंग करते थे ठीक है चलिए तो ये आप देख सकते हो मिथिला द लैंड ऑफ सीता जी भी है है ये ठीक मिथिला से ही बिलोंग करती थी सीता माता भी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के आपको बताना है महाबोधि मंदिर जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है निम्न में से किस राज्य में स्थित है ठीक है आप लोगों के लिए क्वेश्चन और जल्दी जल्दी से सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे इसके अंदर में जिन बच्चों ने अब तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं ठीक है ताकि आगे में जितनी भी चीजें जैसे आंसर की आती है सबसे पहले आपको पता चले आपका सेंटर कोड आता है सबसे पहले आप लोगों को पता चले तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन दबा देना है चलिए देखिए फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं महाबोधि मंदिर जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है निम्न में से किस राज्य में स्थित है तो आप लोगों ने आंसर करने स्टार्ट कर दी है देखो अगर आप लोगों को ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो आप लोगों ने क्या करना है आप लोगों ने जो है फ्रेंड्स ठीक है कमेंट में आंसर करना है आप लोगों ने ठीक है अगर क्योंकि ई ऑप्शन वहां पर में है नहीं हमारे पास में ऑप्शन वहां लगाने का तो आप लोग क्या कर सकते हो आप लोग कमेंट के अंदर में भी आंसर कर सकते हो ठीक है तो देखिए महाबोधि टेम्पल जो है आपको बोध गया के अंदर में मिलेगा ठीक है और ये आप लोगों का बिहार के अंदर में स्थित है बिहार में अब मैं आप लोगों को बोलूँ की ये विश्व धरोहर स्थल है विश्व धरोहर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जितने भी बच्चों ने यूनेस्को वाला लेक्चर देखा है मेरा वो बता सकते हैं कि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब घोषित किया गया था इसके बारे में सारी जानकारी आप लोगों को दी है ठीक है 2002 के अंदर में 2002 के अंदर में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था कभी अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को जमा आप लोगों को पता होना चाहिए ठीक है तो इज द आंसर हजार पर में तो 2002 में महाबोधि टेंपल जो बोध गया में है उसको शाम, जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था महाबोधि टेम्पल को सबसे पहले अशोका ने बनवाया था यह भी याद रखना है आप लोगों ने ठीक है ये वही स्थान है जहां पर में गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था ठीक है चलिए तो गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त होने वाली जगह इसके अलावा एक चीज याद रखनी है आप लोगों ने ये पूरी तरह से ईटो से बना है ईट से निर्मित था ठीक है एक बौद्ध जो है मंदिर है जो पूरी तरह से ईटो से बना हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के बिहार सीईटी टी बीएड एग्जाम के अंदर में पूछा गया प्रश्न पैतालीस से ज्यादा लोग देख रहे हैं यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से फ्रेंड सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी लोग तो जो है मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा और पूरी टीम भी मोटिवेटेड रहेगी देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर क्या है तो बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर और महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है यह क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों का पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है यह भी क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों का तो अगर मैं बात करूं यहां पर मैं तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इकसठ दशमलव आठ जीरो प्रतिशत ठीक है अड़सठ प्रतिशत लोगों ने सही आंसर दिया है ठीक है और इसमें से भी अगर मैं मेल और फीमेल का बात करूं यहां पर मैं ठीक है मेल और फीमेल की क्या आंसर होगा फीमेल का तो बहुत ही सिंपल है फिफ्टी वन पॉइंट ठीक है फाइव जीरो आप लोग लगा सकते हो यहां पर फिफ्टी वन पॉइंट फाइव जीरो महिलाओं की साक्षरता दर है ठीक है ना ठीक है अब इसको प्लस मत कर देना नहीं तो बोलेंगे कि सर दोनों को प्लस करके तो हंड्रेड से ज्यादा हो जा रहा है अरे जितने पुरुष है उनमें से कितना परसेंट जो है वो पढ़े लिखे है, और जितनी महिलाएं हैं उनमें से कितनी महिलाएं पढ़ी लिखी है इसका ये मतलब होता है आपका ओके चलिए तो 74 परसेंट लोगों ने अब तक यहां पर मैं सही आंसर दिया है आंसर होगा इकसठ दशमलव आठ जीरो प्रतिशत ये हो जाता है टोटल स्त्री पुरुष दोनों मिलाकर टोटल लोगों में से कितना पर, परसेंट बनता है ठीक है चलिए तो डी इज द करेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स बिहार से रिलेटेड भारत और बिहार से रिलेटेड पूरा का पूरा डेटा कितने लोग चाहते हैं आपको मिल जाए ये इमेज वाले सेक्शन के अंदर मैं आज डाल दिया जाएगा क्योंकि इमेज वाले सेक्शन की टेस्ट है है ठीक पंद्रह तारीख को मैं फिर से बता दू मेरा बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था वो मैं पिछले जो है फ्रेंड्स करीब छह महीने से उस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ मेरी पूरी टीम काम कर रही है यहाँ पर मैं मैं चाहूंगा कि आप लोग उसको अच्छे से देखें ठीक है तो जिलों की संख्या पूरे भारत के अंदर में जो है फ्रेंड्स अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखे तो छह और बिहार के अंदर में 38 है ठीक है और इसके अलावा हम बात करें भारत की जनसंख्या कितनी है भारत की जनसंख्या जो है वो 121 करोड़ के आसपास में है और बिहार की जनसंख्या लाख 1040000 99452 है ये 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहा हूं मैं आप लोगों को ठीक है जनसंख्या घनत्व भारत का कितना है तो भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 ये केवीएस पीआरटी में आया था क्वेश्चन

लिंग अनुपात है ये लिंग अनुपात कितनी महिलाएं है और बिहार में कितनी महिलाएं यार हजार लड़कों के मुकाबले में नौ ये पूरा का पूरा डेटा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को मिल जाएगा डोंट वरी तो वही साक्षरता दर के बारे में आप देख सकते हो साक्षरता दर भी यहाँ पर में दी गई है आप लोगों की तो 61.8 जो है परसेंट है साक्षरता दर बिहार की दोनों का कंपैरिजन दिया हुआ है नाउ फ्रेंड्स आप लोग देखिए पूरा का पूरा ये मैप है आपका इसमें आप लोगों को हर चीज दी गई है ये मैप भी आपको वो इमेज वाले सेक्शन में मिल जाएगा इस मैप को आप लोग देखिए कितना प्यारा मैप है ठीक है सबसे कम क्षेत्रफल वाला सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला सबसे छोटा जिला शिवहर है सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है शिवहर है बिहार हेड टीचर के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन लिखो सभी लोग ठीक है सभी के सभी लोग लिखेंगे न्यूनतम क्षेत्रफल मतलब सबसे छोटा जिला और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व मतलब कम एरिया में ज्यादा लोग रहने वाला जिला आपका शिवहर है ओके उसके बाद में सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर कहां पर में आई है आपकी सबसे ज्यादा लोग जो है दशकीय की वृद्धि दर का मतलब दस साल में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ बढ़ी है मधेपुरा में बढ़ी है मधेपुरा वालों ठीक है मतलब बैठे बैठे क्या करें करना है कुछ काम ठीक है सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर में बढ़ी है आप लोगों की मधेपुरा के अंदर में ठीक है न्यूनतम साक्षरता न्यूनतम पुरुष साक्षरता पूर्णिया के अंदर में है ठीक है उसके बाद में सर्वाधिक साक्षरता ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्वाधिक साक्षरता कहां पर में है रोहतास में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहा है रोहतास में सर्वाधिक महिला साक्षरता कहा है रोहतास के अंदर में और इस तरीके से फ्रेंड्स पूरा का पूरा आप लोगों को जो है ना मैंने आपसे कहा था आपसे प्रॉमिस किया था मैंने अपना प्रॉमिस निभाया बट आप लोगों ने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया ठीक है कि आप लोग पांच बच्चा जो है वो कर दोगे न्यूनतम लिंग अनुपात जो है फ्रेंड्स आप लोगों का मुंगेर के अंदर में वो भी यहाँ पर मैं दे दिया है ठीक है चलिए कोई नहीं उसके बाद में जो है फ्रेंड्स न्यूनतम जनसंख्या कहां पर में है शेखपुरा में है और सबसे ज्यादा जनसंख्या पटना में है। देख सकते हो आप लोग सबसे ज्यादा जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर पटना सबसे कम शेखपुरा यह भी क्वेश्चन आया था बिहार है टीचर के एग्जाम के अंदर में दश की वृद्धि दर कितनी रही बिहार की बिहार की दश की वृद्धि दर रही पच्चीस दशमलव चार ठीक है पच्चीस दशमलव चार प्रतिशत आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बिहार में ठीक है जन जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कुल व्यक्ति कितनी है ये आपका बिहार टीचर की जो इलेवन ट्वेल्थ की एग्जाम हुई थी 2023 में उसके अंदर में पूछा गया था 5000 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं यहाँ पर में 4220 लाइक्स है तो आप लोगों का जो जैसा भी आप लोगों को लगता है आप लोग जो है फ्रेंड सेशन को मोटिवेट करते रहेंगे आप सभी लोग ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दल कितनी है आप लोगों की तो ये है आपकी इकसठ दशमलव ठीक है कितना है आप लोगों का आठ प्रतिशत हो जाता है इकसठ दशमलव आठ प्रतिशत लेकिन इकसठ दशमलव आठ प्रतिशत जो है आप लोगों का दिया नहीं है यहाँ पर में ठीक है तो आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा आप लोग बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा जल्दी बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है आप लोगों का इकसठ दशमलव आठ प्रतिशत हो जाएगा लिख के भी बता देना है आप लोगों ने यहाँ पर में तो आंसर यहाँ पर में हो जाएगा आप लोगों का नन ऑफ दी अबो ई आंसर हो जाने वाला है इसका आप लोगों का ठीक है इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर होगा नन ऑफ दी अबो क्यू क्योंकि एकसठ दशमलव आठ होना चाहिए था दिया कहीं पे भी नहीं है इतना और आप लोगों को पता है की अभी हमने देखा कि बिहार की जो अः टोटल साक्षरता दर है वो इकसठ दशमलव आठ प्रतिशत है ये पूरा का पूरा आप लोगों को जो है फ्रेंड्स जब मैंने पढ़ाया एप में तो वो आपको दिया हुआ है पूरा का पूरा uh, as per 2011, the rate, आपका इसका आंसर करिए आप सभी लोग आगे में बहुत सारी चीजें जो पढ़नी है हमने पूरा लेक्चर आप लोग ध्यान से देखिए इसके बाद में फिर आप लोगों को टेस्ट देंगे ठीक है जो बच्चा पूरा लेक्चर देखेगा अच्छे से उसको टेस्ट मिलेगी गोल्डी बरार बोल रहे हैं सर आपके कोर्स के कारण मेरा भाई टीचर बन गया है चलो गोल्डी बरार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और मुझे उम्मीद है कि आप भी ऐसे ही जो है यहाँ पर मैं बन जाऊंगे टीचर ठीक है जल्दी ही आंसर करिए इसका जल्दी से बहुत बढ़िया आप लोगों के देखिए फ्रेंड्स आंसर आने स्टार्ट हो गए यहाँ पर फिफ्टी 51.5% होना चाहिए 51.5 आप लोगों का दिया नहीं है यहाँ पर में। तो 51.5 जो है आप लोगों का आंसर होना चाहिए था और आंसर नहीं दिया है तो इसी वजह से आंसर नन ऑफ दी अब हो जाएगा आप लोगों का है ना फिफ्टी नहीं दिया तो नन ऑफ दी अबो ठीक है डायरेक्ट आंसर आप लोगों का डायरेक्ट आंसर ठीक है तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई आंसर इज ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ दी अबाव कर्पूरी ठाकुर जिन्हें जन नायक के नाम से भी जाना जाता है किस अवधि के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री रहे ठीक है कर्पूरी ठाकुर जिन्हें जन के नाम से भी जाना जाता है वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे जी तो कब से कब तक वो जो है वो मुख्यमंत्री रहेगा ये आप लोगों का पॉलिटी का क्वेश्चन आप लोगों के क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जो है वो न्यूज में है तो आप लोगों से पूछा जा सकता है तो कर्पूरी ठाकुर जी ने जन के नाम से भी जाना जाता है कि सऊदी के दौरान जो है बिहार के मुख्यमंत्री रहे मैं आपको कर्पुरी ठाकुर जी के बारे में आपको बताऊं फ्रेंड्स इनको जननायक कहा जाता है पहली बात तो ये याद रखना है आप सभी लोगों ने ठीक है ये बिहार के ग्यारवे नंबर के चीफ मिनिस्टर रहे दो बार चीफ मिनिस्टर बनेंगे ठीक है उन्नीस से इकहत्तर तक रहे सभी लोग लिखेंगे और दूसरा रहे नाइनटीन से नाइनटीन तक ठीक है और इनको हाल ही में इनके जन्म शताब्दी पर भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है तो 1970 से 71 और 77 से 79 1970 से 71 और 1977 से 79 तो अब बताओ आंसर क्या होगा आप लोगों का ठीक है अब आप लोग बताइए आंसर क्या होगा ठीक है सभी लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करते रहेंगे यहां पर मैं। तो आंसर जो है फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर केस के अंदर में आंसर आप लोगों का हो जाएगा ठीक है मोर देन वन ऑफ दी अबो डी आंसर हो जाएगा आप लोगों का इस केस के अंदर में ठीक नाइन्टी परसेंट लोगों ने अब आंसर सही लगाया है तो प्लीज दोनों पॉइंट लिख लीजिए दो बार मुख्यमंत्री बने सत्तर से इकहत्तर तक ठीक है और सेवेंटी सेवन से सेवेंटी नाइन तक दो बार मुख्यमंत्री रहे ये बिहार के ठीक है जन नायक के नाम से जाना जाता है ओके चलिए नाउ फ्रेंड्स इनको आपको इनके बारे में अगर मैं बताऊ आप लोगों को तो इनका जो जन्म स्थान है वो कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर के अंदर में है ठीक है 24 जनवरी 1924 को इनका जन्म हुआ था तो कौन से साल में इनका जन्म हुआ था 1924 को इसीलिए तो 100 साल कंप्लीट हो गए ना 2024 में ठीक है तो कभी ये क्वेश्चन आ जाए तो ये भी याद रखना है आप लोगों ने ठीक है स्वतंत्रता सेनानी थे इनका निधन जो है सत्रह फेब्रवरी एट के अंदर में हुआ था चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में ये भी क्वेश्चन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आप लोगों का बताइए इसका आंसर क्या होगा यहां पर मैं बोला है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी ये क्वेश्चन के पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है ठीक है अभी हमको बिहार का पॉलिटी बिहार का इतिहास ठीक है चलिए थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया आपका प्यार से कमेंट के लिए आपके बिहार एस्टेट के पेपर में वन में हंड्रेड प्लस क्वेश्चन सही है आपकी क्लास से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं चलिए नीलभ नीलभ पांडे जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका और काफी सारे बच्चे जो है फ्रेंड्स मैसेजेस फोन कर रहे हैं और अपने जो है वो भेज रहे हैं नंबर कितने आए हैं उनके तो एस्टेट के अंदर में काफी सारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है टीचिंग परीक्षा के कोर्स के साथ में तो देखिए फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा आप लोगों का यहां पर पच्चीस दशमलव चार दो प्रतिशत ठीक है तो ट्वेंटी फाइव पॉइंट फोर टू परसेंट जो है इसका आंसर है आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इकहत्तर प्रतिशत लोगों ने सही आंसर दिया है सी इज द करेक्ट आंसर ओके तो पच्चीस दशमलव चार है यहां पर लेकिन अगर हम लोग इसको पूरा का पूरा और दो डिजिट तक खींचे

तो मधेपुरा जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने कहा मतलब रही के अंदर में. और के अंदर में जो है और गोपालगंज केशमलो आठ तीन प्रतिशत, प्रतिशत. ठीक है सबसे कम लोग यहां पर में बड़े सबसे ज्यादा मधेपुरा में बड़े ओके तो आप देख सकते हो यहां पर में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में आप लोग देखिए इसमें आप लोग देख सकते हो कि सर्वाधिक दस की वृद्धि दर मधेपुरा आप लोग देख सकते हो पूरा इमेज आप लोगों के लिए कर दिया है पूरा का पूरा अवेलेबल करवा दिया आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के ऐप पर मधेपुरा सर्वाधिक दशकीय की जनसंख्या वृद्धि दर क्वालिटी कंटेंट आप लोगों का ठीक है उसके बाद में जो है फ्रेंड्स अगर आप लोगों से बात करें गोपालगंज की तो गोपालगंज के अंदर में क्या है न्यूनतम जो है आप लोगों का जो है दश की वृद्धि दर जो है वो आप लोगों को गोपालगंज में आप लोगों को देखने के लिए मिला है तो देख सकते हो आप लोग न्यूनतम दश की वृद्धि दर गोपालगंज के अंदर में मैप में मिल गया आप लोगों को यहाँ पर में ठीक है तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर में हो जाएंगे दोनों के दोनों लिख दीजिए कमेंट के अंदर में आप लोग ताकि आप लोगों को याद हो जाए चीजें ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं यहां पर में जस्ट उसका आंसर छुपा देना चाहता हूं क्योंकि तो इसका आंसर दिख रहा है ठीक है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है आप लोगों का चलिए देखिए ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है बिहार ज्योग्राफी का क्वेश्चन ठीक है रोहित श्रीवास्तव जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं फ्रेंड्स की शिवहर इज अ डिस्ट्रिक्ट विद विद मिनिमम फॉरेस्ट एरिया ऑफ बिहार कैमूर इज द मोस्ट फॉरेस्टेड एरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार देखिए बिहार के अंदर में जो है फॉरेस्ट के बारे में यहां पर जानकारी दी गई है देखिए अगर मैं बात करूँ बिहार के अंदर में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ पर में है तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है पहले नंबर पे आता है कैमूर जहां सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है ठीक है कैमूर के अंदर में पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे आता है आपका पश्चिमी चंपारण वेस्ट चंपारण सेकंड नंबर पे तो कैमूर जो है वो सबसे ज्यादा फॉरेस्टेड एरिया है सबसे ज्यादा जो है वन कहां पर में सबसे अधिक वन आपको जो है मिल जाएंगे कैमूर के अंदर में शिवहर जो है वो सबसे कम फॉरेस्टेड एरिया वाला इलाका है ये भी बिल्कुल सही है और उसके बाद में फिर शेखपुरा आता है तो शिवहर जो है वो सबसे कम फॉरेस्टेड एरिया या सबसे कम वन वाला एरिया है आप लोगों का तो ये भी बिल्कुल सही है तो पहला भी सही है दूसरा भी सही है आप लोगों का तो आंसर आप लोग क्या लगाओगे आप लोग बताएंगे यहाँ पर मैं जल्दी से ठीक है आंसर आप लोगों के हिसाब से क्या होगा ठीक है जल्दी जल्दी से बताते जाइए यहाँ पर मैं सर मेरी वाइफ अंकिता भी देख रही है अपने घर कोदरमा से शी इज बिग फैन ऑफ यू सर एक बार मोटिवेट कर दीजिए उसे प्लीज ग्लोबल एजुकेशन जी मतलब आपकी वाइफ को मोटिवेट करने के लिए मेरी जरूरत पड़ रही है तो फिर यार ये तो बड़ी आ, मतलब विचित्र सी स्थिति है ठीक है आप हो उनके जीवन साथी ठीक है तो मोटिवेट कीजिए आप खुद एक उनके लिए मोटिवेशन हो आप एक दूसरे के लिए मोटिवेशन हो ठीक है और दूसरी चीज ये है ना कि आप ये सोचिए कि जीवन कितना बेहतर हो जाएगा जब आप दोनों के दोनों लग जाएंगे आपके बच्चे जो है वो वो उनको आप कितना खुशहाल जीवन दे पाओगे ठीक है ये एक मोटिवेशन रखिए और मैंने एक बहुत मोटिवेशनल में, में कितने लोगों ने देखी है, बताना मुझे हो इसका, आ, कैमूर फिर पश्चिमी चंपारण फिर बाद में सबसे कम वाले में शिवहर और शेखपुर है आप लोगों का ठीक है चलिए नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर में आ, आप लोगों का आ, इसके ऊपर में भी आप लोगों के जो है क्वेश्चन uh, जो है फ्रेंड्स इसके ऊपर में भी आप लोगों के बन सकते हैं आप लोगों का ठीक है uh, किस तरीके से बन सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे में और भी हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसके ऊपर में बेस्ट अभी फिलहाल के अंदर में आप इसको याद रखिए नॉ नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में आगे बढ़ते हम लोग चौसठवीं बीपीएससी का क्वेश्चन आप लोगों का ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप तब तक इमेज वाला कहाँ पर मैं अवेलेबल है इमेज वाला देखिए जितने भी आपके कोई भी बच्चा है जिसने कोई भी चाहे कोई भी एक छोटा से छोटा कोर्स भी अगर परचेस किया हुआ है टीचिंग परीक्षा से तो उसको उसके कोर्स के अंदर में ऐड कर दिया गया है उसको ठीक है जी और इमेजेस को जो है कंटिन्यूअसली मुझे बताया जा रहा है कि पीछे से और अपडेट कर रहे हैं आप लोगों के लिए और पंद्रह तारीख को उसकी टेस्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है तो बिल्कुल कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था भाई बीपीएससी की चौसठवीं बीपीएससी के अंदर में ठीक है जो भी दानी सर का लेक्चर देखकर जाएगा वो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कर देगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया ठीक है सी तो नाइन्टी लोगों ने सही आंसर लगाया है ठीक है चलिए तो सी इज द करेक्ट आंसर तो सेक्स रेशियो मतलब होता है हर हजार लड़कों के मुकाबले में कितनी लड़कियां पूरे बिहार के अंदर में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात गोपालगंज में है सबसे कम मुंगेर के अंदर में इमेज में आपको दिखाया मैंने बिहार में मुख्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते चलिए लीजिए एक और क्वेश्चन आप लोगों का बन गया बिहार में पाए जाने वाले सबसे ज्यादा प्रकार के वन कौन से हैं बिहार में पाए जाने वाले सबसे मुख्य प्रकार के वन कौन से हैं पांच हजार सात सौ के करीब बच्चे जुड़ गए हैं फ्रेंड्स और मैं आपको बता दू चार हजार नौ सौ स बच्चों ने सेशन को अब तक लाइक भी कर दिया है जब तक मैं देख रहा हूँ चार हो चुके अब तक तो जल्दी जल्दी से सारे के सारे बच्चे एक साथ सेशन को लाइक भी कर देंगे और जहां शेयर कर सकते हो शेयर भी करते रहेंगे ठीक है देखिए अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स बिहार के अंदर में पाए जाने वाले सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट है आपका वो है डेसीड्यूस पर्णपाती और आपको एक बात बताऊ यहाँ पर मैं आप लोग प्राउड फील कर सकते हो ठीक है भारत माता की जय भारत के अंदर में भी सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जो फॉरेस्ट है आप लोगों के वो कौन से है ठीक है आप लोगों के डेसिड्यूस फॉरेस्ट है सबसे ज्यादा भारत में पाए जाते हैं पर्णपाती पर्णपाती का मतलब क्या होता है पर्णपाती जो मत जो पेड़ पौधे होते हैं वो केवल और केवल मानसून सीजन में हरे भरे रहते हैं और बाकी गर्मी के सीजन में क्या होते हैं वो नंगू पुंगू हो जाते हैं मतलब उनका उनके सारे पत्ते झड़ जाते हैं फिर बारिश आएंगी बारिश के सीजन के अंदर में मानसून सीजन में फिर से हरे भरे हो जाएंगे मस्त एक नंबर खुश ठीक है लेकिन जैसे ही जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में गर्मी का मौसम आएगा ठीक है वो झड़ हो जाएगा उनका पत्ते झड़ जाएंगे उनके ठीक है तो इनको पर्णपाती डेसिड्यूअस कहा जाता है तो भारत में सबसे ज्यादा जो है ट्रॉपिकल डेसिड्यूअस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं और यही पर बिहार में भी ठीक है आप लोगों के डेसीडस फॉरेस्ट आप लोगों को मिलेंगे पर्णपाती पर्णपाती जो फॉरेस्ट होते हैं इनको मॉनसून टाइप के फॉरेस्ट भी बोला जाता है मॉनसून क्योंकि केवल मॉनसून के अंदर में जो है ये पाए जाते हैं ठीक है मॉनसून टाइप के फॉरेस्ट मॉनसून टाइप का फॉरेस्ट आप लोगों का ये भी कहा जाता है उसको हिंदी में भी मॉनसून फॉरेस्ट ही बोलते हैं मॉनसून वन मानसूनी वन ठीक है तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोगों का तो डेडुअस फॉरेस्ट पर्णपाती वन भारत बिहार के अंदर में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं नाउ फ्रेंड्स अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों से कहा है कि बिहार से रिलेटेड आप लोगों को मैं मैक्सिमम चीजें आपको करवा दूंगा आज जो बच्चा पूरा देखेगा उसका फायदा होने वाला है ठीक है थैंक यू वेरी मच अभिषेक यादव जी जल्दी जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देखिए बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी जिसको बिहार स्टेट मिल्क कॉपरेशन फेडरेशन लिमिटेड ठीक है पटना में इसका जो है फ्रेंड्स हेडक्वार्टर है आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार मिल्क स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर में तो पटना के अंदर में है इसकी ब्रांड नेम क्या है इसका ये भी बताइए आप लोग जल्दी जल्दी से ठीक है जल्दी जल्दी से बताइए कि जो बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरे अमूल जो है फ्रेंड्स आप लोगों को पता है गुजरात के अंदर में तो वैसे ही फ्रेंड्स बिहार का जो है मिल्क ये लोग जो बेचते हैं उसका ब्रांड नेम आपको बताना है इसका ब्रांड नेम क्या है बिहार में अगर रहते हो तो भाई ब्रांड नेम पता होना चाहिए इसका ठीक है नहीं पता होगा तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएंगी ठीक है कॉम्फेड बताइए जल्दी से कॉम्फेड का कहां पर मैं आप लोगों का कब इसकी स्थापना हुई थी कॉम्फेड की तो 18 1983 के अंदर में 1983 में इसकी स्थापना हुई थी पटना में इसका हेडक्वार्टर है ब्रांड नेम क्या है सुधा है वेरी गुड बहुत बढ़िया फ्रेंड सुधा ठीक है सुधा मिल्क मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर मैं आप देख सकते हो ये है सुधा मिल्क आपका बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन कॉम्फेड इसको बोला जाता है आंसर केवल थर्टी थ्री परसेंट लोगों ने भी नहीं अराउंड uh, जो है यहाँ पर परसेंट था, 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 अब हो गया 33 आंसर बताने के बाद में थर्टी थ्री परसेंट लोगों ने केवल आंसर दिया था इसका ठीक है तो ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग इसलिए बोल रहा हो लेक्चर पूरा देखिए ताकि आपको ये सारे क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे तो आप लोग कर पाए सॉल्व इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे ठीक है ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को ठीक है बिहार के अंदर में मिल्क फेडरेशन जो है सरकारी संस्था है 1983 में बनाया गया था सुधा ब्रांड नेम से ये लोग क्या करते हैं बेचते हैं अच्छा मुझे एक बात बताओ हाल ही में कौन सा वाला एक प्रोडक्ट है बिहार का जिसको ट्रेडमार्क चिन्ह मिला है ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क हाल ही में मिला है ठीक है दो मार्च दो की न्यूज है ट्रेडमार्क मिल गया उसको ठीक है तो क्या है ये भी बताइए आप लोग केवल नौ लोगों ने आंसर किया था जब मैंने पूछा था उस समय में तब टी को वेरी गुड क्या बात है बिहार टी जितने भी बच्चे देख रहे हैं लेक्चर रिवाइज कर रहे हैं उन लोगों को याद होगा तो देखिए बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा बिहार फॉरेस्ट गार्ड ऑफिशियल पेपर में और इसके अलावा बिहार हेड टीचर में भी आया था ये क्वेश्चन बिहार हेड टीचर हेड टीचर के अंदर में भी आया था आप लोगों का हेड टीचर 2022 वाली जो एग्जाम हुई थी उसके अंदर में ठीक है तो आंसर होगा सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है आप लोगों का वो कौन सा है शेखपुरा है आपका ये आंसर भी याद रखेंगे आप सभी लोग शेखपुरा आंसर इज ऑप्शन नंबर ए केवल चौपन परसेंट लोगों ने आंसर दिया है फिफ्टी फोर परसेंट लोगों ने ठीक है जबकि मुझे लगता है कि ज्यादा लोगों ने आंसर दिया जा देना था यहाँ पर मैं आप लोगों को वो मैप के थ्रू भी मैंने बताया हुआ है ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं वो इसका आंसर कर सके ठीक है आपको पता है ना आप लोगों को एक मैप दिया हुआ है मैंने जिसके अंदर मैं आपको बताया है कि भाई आपका सबसे जो है कम जनसंख्या न्यूनतम जनसंख्या कहा है शेखपुरा में आप लोग देख सकते हो ये टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में आप लोगों को मिल जाएगा जितने भी बच्चे है ठीक है उनको शेखपुरा न्यूनतम जनसंख्या ओके और सबसे ज्यादा जनसंख्या पटना के अंदर में है ठीक है ये याद रखना है आप लोगों ने तो ये फॉरेस्ट गार्ड में आया था और बिहार हेड टीचर में भी आया था नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है आप लोगों को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में भी 6000 से ज्यादा बच्चे जो है यहाँ पर मे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं चार हजार पांच हजार चार सौ नौ लाइक्स यहाँ पर मैं अपने कर दिए हैं तो से पहली बार किसने बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने अशोका ने कनिष्क ने हर्षवर्धन ने महाबोधि टेम्पल गया में स्थित है क्या यह यूनेस्को साइट है हाँ या ना क्या यह यूनेस्को साइट में है हाँ या ना अगर हाँ तो ईयर आप लोग बताएंगे ठीक है क्योंकि मैंने ये सारी चीजें बार 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 रिवाइज करके पढ़ाया आप लोगों को ओके तो आंसर जो है फ्रेंड्स यूनेस्को में इसको शामिल किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अशोका के समय में बनाया गया था पूरी तरह से ये ईटो से बना था और ये दो में ठीक है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में शामिल किया गया जो बच्चा स्टार्टिंग से देख रहा है वो बहुत अच्छे से आंसर कर पाएगा तो पूरा लेक्चर आप लोग देखिए यहाँ पर ठीक है दो हजार दो में इसको शामिल किया गया था यूनेस्को में नेहा सोमू ने आंसर कर दिया उमेश ने रिया ने बहुत सारे लोग जो है आंसर कर रहे यहाँ पर बहुत बढ़िया तो अशोका ने इसको बनवाया था फ्रेंड्स ठीक है दो में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया और ये ईटो से निर्मित करवाया गया था ये भी याद रखना है आप 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 लोगों ने। आप लोगों लोगों ने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट का आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स अब देखिए बहुत ही वाला क्वेश्चन बता रहा को और मैं देखना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं ठीक है मैं इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोगों से जरूर देखना चाहूंगा ठीक है जल्दी से बताइए पोल भी आपको दे दिया है बताइए अशोक का इनमें से कौन सा शिलालेख एक गांव के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख करता है अशोका का एक अभिलेख है कि सम्राट अशोक ने क्या किया एक गांव में गया और वहां के जो गांव था वहां की जो राजस्व था वहां का जो पैसा था टैक्स का पैसा उसमें उनको रियायत दे दी उनको छूट दे दी तो कौन सा अभिलेख है अब जो बच्चे का कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी वो इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएगा ठीक है अशोका के बारे में क्यों पढ़ा रहा हूं क्योंकि अशोका जो है फ्रेंड्स उसकी राजधानी पाटलीपुत्र थी बिहार में बिहार से शासन करता था तो ऑब्वियस सी बात है हमें उसके बारे में पढ़ना है यहां पर में ठीक है तो लुम्बिनी कॉलम या लुम्बिनी इंस्क्रिप्शन जो है उससे हमको पता चलता है लुम्बिनी कॉलम या रुमबिनी इंस्क्रिप्शन को या लुम्बिनी का जो स्तंभ है उसको हम रुमन देई रुमन देई ठीक है रुमन देई जो है यहाँ पर मैं इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं रुमन दई शिला भी कहा जाता है इंस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्शन In भी कहा जाता है रुमन देई ये याद रखना है आप लोगों ने ठीक है ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है रुमन देई इंस्क्रिप्शन यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो कि अशोका जो है वो लुम्बिनी गए थे और वहां पर में जो उन्होंने इंस्क्रिप्शन बनाया था उसको हम लोग लुम्बिनी इंस्क्रिप्शन या लुम्बिनी कॉलम या रुमन दई भी कहते हैं हम लोग लुम्बन दई पिलर या रुमन दही इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं इससे हमें पता चला था कि अशोका ने वहां पर में जो टैक्स था ठीक है उस टैक्स को क्या किया था फ्रेंड्स मतलब कि जो है लगभग लगभग आप लोग देख सक, लग आप लगा सकते हो कि एवन पॉइंट परसेंट की छूट दे, मतलब तो दे दी बोले कि यार यहाँ पर में शाक, किसका जन्म हुआ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और चीज याद आ गई रुमन इंस्क्रिप्शन में गौतम बुद्ध को किस नाम से पुकारा गया है यह क्वेश्चन आया था ठीक है ये क्वेश्चन किसके अंदर में आया था टीम मुझे प्लीज एक बार वहां पर में बता दीजिएगा आप लोग अभी कुछ दिन पहले जो है चंडीगढ़ एन में या फिर यूपीएससी के दोनों में से किसी एक किस्म आया था ठीक है शाक्य मुनि के नाम से उनको कहा गया है शाक्य मुनि उनको कहा गया है ठीक है शाक्य मुनि ये भी याद रखना है इसके अलावा उनको तथागत भी कहा गया है तथागत ठीक है तथागत का मतलब होता है जैसे आए थे वैसे गए तथा ठीक है तथागत भी कहा गया है शाक्य मुनि और तथागत नाम से उनको संबोधित किया गया है गौतम बुद्ध का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये याद रखेंगे आप सभी लोग ठीक है चलिए तो आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में काफी सारे पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों को आने वाले समय के अंदर में करवाऊंगा भी अभी हम लोग यहाँ पर मैं फिलहाल में जो है हम लोग जल्दी जल्दी से हमारे जो बिहार से रिलेटेड जो चीज है उनको पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पर में अब देखिए थियोसोफिकल सोसाइटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका बिहार में थियोसोफिकल सोसाइटी का पहला लॉज स्थापित किया गया था ठीक है पहला लॉज थियोसोफिकल सोसाइटी का एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन क्या आपको थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना ठीक है कब हुई थी ये हुई थी आपकी अठारह में कहा पर में हुई थी न्यूयॉर्क में न्यू यॉर्क में न्यू इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में था बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया मदिया मद्रास में मद्रास मद्रास में भी एक जगह है जिसका नाम है अडियार वहां पर में इसको शिफ्ट कर दिया गया और एनी बेसेंट जो थी वो थियोसोफिकल सोसाइटी से ही जुड़ी हुई थी बिहार में इसकी पहली ब्रांच या इसका पहला लॉज कब खोला गया तो ये खोला गया था आप लोगों का फ्रेंड्स ठीक है बताइए जल्दी से इसके स्थापित होने के करीब सात साल के बाद में भागलपुर के अंदर में खोला गया था एटीन एटी टू के अंदर में एटीन एटी टू के अंदर में ओके ये याद रखेंगे आप सभी लोग 1882 के अंदर में बाद में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में 11 ब्रांचेस और 7 सेंटर्स भी खोल दिए गए थे आ, 1904 तक बाद में ठीक है लेकिन आ, 1882 में इसका पहला जो लॉन्च था लॉन्च था पहला सेंटर था भागलपुर के अंदर में खोला गया था ये याद रखना आप लोगों ने ठीक है भागलपुर के अंदर में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना अठारह में न्यूयॉर्क में हुई थी मद्रास अडियार में इसका हेडक्वार्टर खोला बाद में शिफ्ट हो गया इसके अलावा बिहार में भागलपुर में एटीन में इसका पहला सेंटर खुला था ये याद रखेंगे आप लोग बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आप लोगों को ठीक है सर आर ओ ए आर ओ में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था देखिए शालिनी श्रीवास्तव भी आपको यहाँ पर मैं मोटिवेशन दे रही है कि क्वेश्चन इससे आया था उनके भी एग्जाम में बिहार विधान परिषद की क्षमता कितनी है बिहार विधान परिषद देखिए फ्रेंड्स विधान परिषद की अगर मैं बात करूं तो केवल छह राज्य ऐसे है जहां विधान परिषद है बाकी के पास में केवल विधानसभा है ठीक है तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों होने वाले ऐसे राज्य कितने हैं छह हैं। एक तो हमारा खुद का बिहार है ठीक है हमारा पड़ोसी यूपी है ठीक है उसके बाद में महाराष्ट्र है आपका ठीक है कर्नाटक है ठीक है तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है आंध्र प्रदेश तो ये छह राज्य ऐसे हैं जिनके पास में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है ठीक है विधान परिषद की अगर मैं बात करूं आप लोगों से बिहार के अंदर में इसकी क्षमता कितनी है तो पचहत्तर अच्छा, विधान परिषद की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है मैक्सिमम अधिकतम या मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है इसकी कोई बता सकता है मुझे ठीक है बिहार विधान परिषद हो या कोई भी विधान परिषद हो उनमें मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है मैक्सिमम तो ये हो सकती है फ्रेंड्स एक तिहाई ठीक है मतलब कि आप लोगों का विधान परिषद जो है ना उसके एक तिहाई से जो है ज्यादा नहीं होनी चाहिए मतलब वन थर्ड ऑफ विधानसभा बिहार की विधानसभा में कितनी सदस्य संख्या है जल्दी ये बताइए आप लोग बिहार की विधानसभा में कितनी सदस्य संख्या है विधानसभा के अंदर में कितनी सदस्य संख्या है बिहार के दो है ठीक है टू फोर्टी थ्री तो आप लोगों को आंसर निकालने के लिए वन बाय थ्री इंटू टू फोर्टी थ्री करना पड़ेगा जो भी आंसर आएगा वो मैक्सिमम इसकी बन जाएंगी उससे ज्यादा नहीं हो सकती ठीक है इसका ये मतलब है ठीक है कि इससे ज्यादा नहीं हो सकती ठीक है तो आठ और एक मतलब ये हो जाता है आप लोगों का 81 मैक्सिमम जो है 81 हो सकती थी लेकिन अभी 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 भी कितना रखा हमने 75 81 हो सकती है मैक्सिमम ठीक है, लेकिन अभी हमने पचहत्तर रखा हुआ है ठीक है चलो तो ये वन थर्ड होता है ये पूरे मतलब कहीं पे भी विधान परिषद है तो वन थर्ड अच्छा मिनिमम भी एक है मिनिमम मिनिमम चालीस होनी चाहिए चालीस से कम नहीं होनी चाहिए ये भी एक रूल है हमारे संविधान के अंदर में

तिहत्तर लोग अब लाइक कर चुके जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे बढ़ते भी जा रहे हैं जल्दी से छह पार करना है आप सभी लोगों ने मिलकर ठीक है चलो तो ये देख लीजिए लोकसभा मेंबर्स कितने में सोलह राज्यसभा में कितना रिजर्वेशन है बताइए जल्दी से क्या राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन होता है नहीं राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं होता क्या लोकसभा में रिजर्वेशन है जी हाँ लोकसभा के अंदर में जो है फ्रेंड्स दो सीटें एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है एसटी के लिए कोई सीटें रिजर्व नहीं होती है ठीक है उसके बाद में विधानसभा में दो और विधान परिषद में पचहत्तर सीटें ना फ्रेंड्स लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है ठीक है ये बताएंगे आप सभी लोग पूरे की पूरी लोकसभा की बात हो रही है यहाँ पर मैं अब बिहार की नहीं हो रही है ये बात पूरे के पूरे लोकसभा की हो रही है तो उसका भी आंसर कर दीजिए आप सभी लोग क्या बात है ठीक है जैसे मैंने आप लोगों से कहा है फ्रेंड्स आप लोगों में से काफी सारे बच्चे हैं जो सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं पांच हजार नौ सौ छत्तीस आप लोगों ने कर दिया है ठीक है एक बार शेयर भी करते रहेंगे यार आप आ, मुझे उम्मीद थी कि आज आप लोग जो है पहले क्वेश्चन के अंदर में फाइव थाउजेंड कर दूंगे लेकिन कोई बात नहीं ठीक है उम्मीद उम्मीदी ना उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए हम लोग फिर और मेहनत करेंगे और ज्यादा जो है आप लोग जो है मैं आप लोगों को करवाना चाहता हूँ ठीक है ये जो समय है ना आप लोगों का पढ़ने का अगर ये चला गया तो आप लोग जो है फिर वापस नहीं ला पाओगे इसलिए पढ़ लो अभी जो पढ़ा रहा रो तो आंसर हो जाएगा अनुसूचित जनजाति एस के लिए जो है फ्रेंड्स कितनी है और एस के लिए कितनी है दोनों चीजें आप लोग बताओगे मैं जैसे आंसर यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों के ठीक है तो आप लोगों का एस के लिए जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों का कितनी सीटें है एटी जो है यहाँ पर मैं आप लोगों का कितनी सीटें है ये क्वेश्चन अगर आ सकता है आप लोगों का तो ये याद रखेंगे आप लोग और उसके बाद में अगर आप लोगों से पूछा जाए एसटी के लिए कितनी सीटें है तो वो भी आप लोग मुझे बताओगे एस और एस दोनों के लिए पूछा जा सकता है ठीक है विधानसभा के 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 अंदर में, के अंदर में में लोकसभा बहुत कम लोगों ने आंसर किया भाई 47 है टोटल मिला के 131 होता है ठीक है तो 47 आंसर होना चाहिए था 47 कहीं पे भी नहीं दिया तो आंसर हो जाएगा ई नन ऑफ दी अब ऐसे पढ़ना है आप लोगों ने ठीक है यहाँ पर मैं देखिये जिन्नी पोदार जी ने लिख दिया है ठीक है जिन जिन भी लोगों ने लिख दिया है बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का तो जिन्नी पुदार जी ने भी लिख दिया बाकी लोगों ने भी लिख दिया है ठीक है एस टी के लिए फोर्टी सेवन है तो एस टी और एस सी और एस टी टोटल सीटें मिलाकर वन थर्टी वन क्या ओबीसी के लिए या बैकवर्ड क्लास के लिए कोई रहता है कि रिजर्वेशन नहीं केवल एस सी और एस टी के लिए रहता है और वो भी केवल लोकसभा में ठीक है राज्यसभा में नहीं रहता लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं अब ये तो बता ही सकते हो यार आप लोग ठीक है केवल मैं आपको थर्टी सेकंड का समय दे रहा हूं थर्टी सेकंड के अंदर में बता दीजिए अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन अभी अभी लोकसभा का चुनाव होकर उठा है थैंक यू वेरी मच छ हजार पचहत्तर लाइक्स आप लोगों ने कर दिया बहुत बहुत शुक्रिया देखिए अनुसूचित जाति के लिए जो है फ्रेंड्स आप लोगों का हो जाएगा SC के लिए आपका एटी ठीक है डी इज द करेक्ट आंसर नाइन्टी लोगों ने सही आंसर लगाया अब अब आपको हमेशा याद रहेगा अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते कौन लगाता है मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ूंगा नहीं मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से पढ़कर आंसर लगाया इसका आप लोग लगा इसका आंसर पढ़ के जस्ट अ सेकेंड आप लोग पढ़िए और आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा पोल भी आप लोगों की तरफ में दिया जा चुका है जिन जिन बच्चों ने अब तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए आप लोग ठीक है तो आंसर जो है फ्रेंड्स वो हो जाएगा एटी फोर प्लस ठीक फोर्टी सेवन तो ये होता है एक सौ इकतीस जो कि ऑप्शन में नहीं दिया था तो फिर से आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा एक सौ इकतीस खुशबू जहां ने सही आंसर लगाया यहाँ पर मे वेरी गुड खुशबू ठीक है तो कमेंट में भी आंसर करते रहेंगे सभी के सभी बच्चे जो लोग अभी देख रहे हैं बाद में देख रहे हैं सभी लोगों को आंसर लगाते रहना है ठीक है और जो बच्चे लाइव देख रहे हैं उन लोगों के लिए टेस्ट रहेगी इस सेशन के तुरंत बाद चलो तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर होगा भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण निर्धारित नहीं है कहाँ पर में रिजर्वेशन नहीं है ठीक है है ये भी बताइए पर में रिजर्वेशन नहीं लोकसभा के अंदर में रिजर्वेशन ठीक है है ओके विधानसभा के अंदर में रिजर्वेशन है पंचायतों के अंदर में भी एससी एस टी का रिजर्वेशन है मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि राज्यसभा और विधान परिषद राज्यसभा और छह राज्यों में विधान परिषद है वहां पर मेरी रिजर्वेशन नहीं है विधान परिषद क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि कौन कौन से जो है राज्य है जहां पर मैं विधान परिषद मौजूद है कमेंट करके देखते कितने लोग बताते और आप लोगों को पता है कि लेक्चर के बाद कमेंट में आप लोगों ने एक दूसरे से सवाल भी पूछना है तो वो भी सवाल आप पूछ सकते हो एक सवाल मैंने भी दे दिया आप लोगों को कि आप लोग बच्चों से पूछ सकते हो कमेंट में और बाकी लोग आंसर करेंगे एक हेल्दी कम्युनिटी बन जाती है जब आप क्वेश्चन आंसर एक दूसरे से करते हो तो ठीक है तो डी इज द करेक्ट आंसर नाउ फ्रेंड्स अब ये क्वेश्चन भी एक इंटरेस्टिंग uh, क्वेश्चन है बताइए इमेज वाला कहां पर मैं मिलेगा देखिए इमेज जो है ना आप लोगों का ऐप के ऊपर में अवेलेबल है ठीक है किसी भी कोर्स में आप चले जाइए उसके अंदर में ऐप के अंदर में आपको पूरा इमेज वाला सेक्शन मिल जाएगा वहां पर मैं मैप्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना एचडी मैप्स वो भी डाल दिए जा रहे हैं और इसका श्रेय मैं ना लेते हुए मैं इसका श्रेय मैं अपनी टीम को देना चाहूंगा ठीक है और की भाई उन्होंने इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए निकाला है आंसर दिख रहा है यहाँ पर मैं आप लोगों को ठीक है बट कोई बात नहीं ठीक है आंसर दिख रहा है कोई बात नहीं कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक एग्जिस्टेड इन प्री मौर्यन पीरियड मौर्य पीरियड जो है फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि जो है आप लोगों का एक चौथी शताब्दी ईसवा पूर्व के अंदर में आया था आप लोगों का ठीक है लेकिन उससे भी पहले ठीक है छह सौ आसपास में भी हमारे भारत के अंदर में महाजनपद वाला था ऐसा माना जाता है कि 16 महाजनपद थे और ये 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र इनमें दी गई है सोलह महाजनपदों की सूची तो ये भी बिल्कुल सही है सोलह महाजनपद थे और उनमें से कई सारे महाजनपद गणराज्य थे गणराज्य मतलब कि वो क्या करते थे अपना आप लोगों को पता है ना वो लोग आ, सभा वगैरह वगे थे आ, उनमें एक रिपब्लिक टाइप की चीज थी जैसे हमारे भारत के अंदर में उमारी होती थी मीटिंग होती थी और फिर निर्णय लिए जाते थे ठीक है आपका वज्जी उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वज्जी उसी का एग्जाम्पल एक है ना बिहार के अंदर में वज्जी तो ये भी बिल्कुल सही है तो आंसर आप लोगों का पहला भी सही है दूसरा भी सही है तो आंसर मोर देन वन ऑफ दी इज द करेक्ट आंसर ठीक है ऐसे आप लोग लगा सकते थे चलो अच्छा बिहार के अंदर में इन 16 में से कितने मगध जो है महाजनपद बिहार में थे कितने महाजनपद बिहार में थे इन 16 में से बताइए जल्दी से इन 16 में से कितने महाजनपद बिहार में थे कमेंट करके आप सभी लोगों ने बताते जाना है ठीक है चलो तो वज्जी जो है फ्रेंड्स आप लोगों का गणिया संघ टाइप की व्यवस्था थी वज्जी की राजधानी वैशाली थी ये याद रखना आप लोगों ने बिहार में ही अच्छा अब ये सोलह महाजनपद आप लोग देख सकते हो ठीक है सोलह में से तीन महाजनपद बिहार में थे मगध अंग और वज्जी ठीक है मगध अंग और वज्जी ये तीन महाजनपद आप लोगों को बिहार के अंदर में मिलेंगे ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आप लोगों का नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में एक सवाल पूछा गया आपसे इस क्वेश्चन के अंदर में बोला गया दो हजार ग्यारह की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है ठीक है तो आप लोग बता दीजिए पश्चिम बंगाल केरल उत्तर प्रदेश बिहार रन ऑफ सबसे अधिक है और कितना है यह भी बता देंगे ठीक है जोग्राफी का मैराथन भी लेंगे शाहिद के इकबाल जी बिल्कुल जैसा जैसा आप लोगों का रिस्पांस रहेगा जितना ज्यादा आप अपना अपना लेवल के ऊपर में एक एक बच्चा अपना कंट्रीब्यूशन देगा उतना ज्यादा हम लोग करते जाएंगे यहाँ पर में ठीक है तो देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा अधिक है ग्यारह सौ छे और ये कहा का है बिहार का है आपका ठीक है बिहार में ओके, तो बिहार की, बिहार में जो है हर एक किलोमीटर के बॉक्स के अंदर में ग्यारह सो लोग रहते हैं और भारत की जनसंख्या घनत्व जो है वो थ्री एटी टू है भारत की और बिहार की है ग्यारह अब छह आप देख लीजिए कितना फर्क है ओके चलिए तो ये भी पॉइंट याद रखना है बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी दश की वृद्धि दर ये एक बार लिख दो क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है बिहार की जनसंख्या वृद्धि चौसठ परसेंट लोगों ने आंसर दिया पिछले वाले का जबकि कितना इजी था इसलिए बोल रहा हूं पढ़ो आप लोग अच्छे से बिहार का भूमि क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है बिहार का भूमि क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है जी तो आंसर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोग लगा रहे हो कंटिन्यूअसली कि पूरे बिहार के अंदर में ठीक है बिहार भारत का जो पूरा एरिया है उसमें से बिहार कितना परसेंट कवर करता है ध्यान से आंसर करना है आप लोगों ने ठीक है ये जितने भी लोग जो है यहाँ पर मैं बी आंसर कर रहे हैं ठीक है थीके? उन सब लोगों का गलत है जितने लोग डी आंसर कर रहे हैं उन सबका गलत है जितने लोग सी आंसर कर रहे हैं उनका भी गलत है भाई आप लोगों को बता दू टू है मतलब ये जो है आपका बिहार जो है टू पॉइंट एट सिक्स परसेंट करता है प्लीज इसको याद रखिए सभी लोग लिख लीजिए और ये जो है ना आपका फाइव एट पॉइंट फाइव एट जो आप लोग लगा रहे हो ये पूरे बिहार पूरे भारत की जनसंख्या का प्रतिशत है ठीक है बिहार की जनसंख्या ठीक है भारत की जनसंख्या का बिहार में भारत ठीक है कि जो जनसंख्या है जनसंख्या ओके उसका बिहार में कितना हिस्सा है वो आपका है बिहार का हिस्सा बिहार का हिस्सा ओके ये आप लोगों को मिल जाता है एट एट परसेंट जनसंख्या के अंदर में लेकिन जब मैं बात करूं भूमि के क्षेत्रफल की तो ये है 2.86 परसेंट क्या हर बच्चा लिख देगा कमेंट में इसको जल्दी से 2.86 ताकि याद हो जाए आप लोगों को एरिया लिखो देखो ऐसा मत करो एरिया लिखो टू पॉइंट एट सिक्स परसेंट जैसे ने लिखा, जी, पुहन ने लिखा है लिखा है अमृता यासेंट और जनसंख्या का हिस्सा कितना है एट पॉइंट फाइव एट परसेंट ठीक है तो ये दो पॉइंट है आप लोगों ने जो लिखना है जो आपके एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है ओके नाउ फ्रेंड्स अब यहाँ पर मैं आप देखिए ये है भारत के अंदर में जो है बिहार तो बिहार जो है पूरे भारत का ठीक है भारत का कितना परसेंट करता है 2.86 पॉइंट एट सिक्स परसेंट एरिया कवर करता है एरिया अच्छा तो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है नंबर कितना है है कोई बता सकता बिहार बिहार का भिहार के पास में कितना किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बता रहा हूं आपको ये बीपीएससी के एग्जाम के अंदर में आ चुका है ये इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों का चौरानों स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है पूरे बिहार का चौरानों हजार एक सौ तिरसठ स्क्टर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा यहां से ठीक है चार हजार छह हजार चार सौ छियासी लाइकों ने कर दिए फ्रेंड्स बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का ऐसे ही आप लोग शेयर भी कर दीजिए जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार जहां जहां शेयर कर सकते हो एक एक बार फिर से शेयर कर दीजिए ताकि हर एक बच्चे का कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन यहाँ पर में हो तो चौरान्नो हजार एक सौ तिरसठ स्क्लोमीटर आप लोगों का ओके चलिए अंग महाजनपद आधुनिक बिहार के किन क्षेत्रों में स्थित था यह बता दीजिए आप सभी लोग अंग महाजनपद अंग महाजनपद आधुनिक बिहार के किन क्षेत्रों में स्थित था तो यह था भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र के अंदर में ठीक है भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र के अंदर में में तो आंसर आप लोगों का जो है फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंग महाजनपद आधुनिक बिहार के किन क्षेत्रों था भागलपुर और मुंगेर के अंदर में ये देखिए आप लोग सोलह महाजनपद थे जिनमें से तीन थे आप लोगों के बिहार के अंदर में अंग मगध और तीसरा वाला वज्जी तो अंग महाजनपद जो था उसकी राजधानी थी चंपा क्या राजधानी थी चंपा आज के भागलपुर का जो क्षेत्र है ना वहां पर मैं आप लोगों को मिलेगा और उसके अलावा जो है आपका मुंगेर का जो इलाका है वहां पर उधर में भी फैला हुआ था ये तो भागलपुर और मुंगेर के इलाके के अंदर में फैला हुआ था राजधानी चंपा थी पूछा क्या है आप लोगों से याद रखेंगे आप सभी के सभी अः अंग महाजनपद ठीक है अंग महाजनपद जो था उसकी राजधानी क्या थी राजधानी थी चंपा सभी लोग लिख देंगे चंपा ठीक है और ये जो अंग महाजनपद है आप लोगों का ये भागलपुर और मुंगेर के इलाके में फैला हुआ था भागल प्लस मुंगेर ठीक है बिहार के ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर में आता है ठीक है इसी वजह से याद रखेंगे आप सभी लोग ठीक है ये पूरी की पूरी लिस्ट है फ्रेंड्स की कौन कौन सा जो है वो महाजनपद थे आपके बिहार के अंदर में अंग महाजनपद था चंपा था जिसकी राजधानी राजगृह फिर एक समय में कुछ समय में काल अशोक के समय में वैशाली भी रही फिर पाटलिपुत्र और ये इलाका जो है आपका गंगा के मध्य और दक्षिण वाले क्षेत्र में था वज्जी जो है वो आप लोगों का दरभंगा मधुबनी के क्षेत्र में था भागलपुर और मुंगेर के आसपास में अंग महाजनपद था ये पूरे के पूरे सोलह महाजनपदों की लिस्ट है ठीक है नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि काफी सारे बच्चे हैं उन लोगों की हैवी डिमांड के ऊपर में कि सर जो है इसको एक्सटेंड कर दिया जाए ठीक है क्योंकि कल उन्होंने वीडियो रात में देखा तो उन लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स ये जो 70 परसेंट आप लोगों का ऑफ था बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए उसको एक दिन के लिए और बढ़ाया जा रहा है और बीपीएससी टीआरई 4 के ऊपर में जो है आप लोगों का ठीक है स्टूडेंट्स के जो कमेंट्स थे जिन्होंने लेट लेक्चर देखा या आज देखा उन्होंने लेक्चर उन लोगों के लिए ठीक है ये ऑफर जो है आप लोगों का आज के लिए बढ़ाया जा रहा है आप लोग नाइन या सेवन इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है फ्रेंड्स इसको जो है अवेल कर सकते हो टीआरई आर फोर के अंदर में आप लोगों को और टीआरई थ्री के अंदर में आप लोगों को जो है फ्रेंड्स पूरा फुल कोर्स तो मिलेगा ही सारे

तो देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों से मौर्य काल के साक्ष्य कहां पर में मिले हैं तो ये आपको कुम्हरार में मिले हैं कुम्हरार कहां पर में ये बता दीजिए आप सभी ठीक है कुम्हरार कहां पर में है ये भी आप बता सकते हो मुझे कुम्हरार नाम की जो जगह है ये आप लोगों को मिलेंगी फ्रेंड्स पटना में पटना में आप लोगों को कुम्हरार के नीचे में जब ये खुदाई की गई तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पाटलीपुत्र के सबूत मिलते हैं पाटलीपुत्र मतलब वहां पर में जो पाटलिपुत्र राजधानी थी ना उसका महल का इलाका ठीक है बौद्ध जो है मठ ये सारी चीजें आप लोगों को मिलती है कुम्हरार के अंदर में तो ये देखिए आप लोगों को कुम्हरार जो पार्क है पटना के अंदर में ही कुम्हरार पार्क कुम्हरार पार्क पटना में है पाटलिपुत्र के निशान यहाँ पर में मिले आप लोगों को उसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को और भी बहुत सारी चीजें बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह आप लोगों को जो श्राइन्स है बुद्धिस्ट श्राइन्स अशोका के समय के कुछ बौद्ध मठ ये सारी चीजें आपको मिलती है यहाँ पर में कुम्हरार में कहा पर में कुम्हरार में लिख दो सभी लोग एक बार ताकि याद हो जाए और कुम्हरार कहाँ पर में है पटना में वहां से मौर्य काल के आप लोगों को अवशेष मिले हैं मौर्य काल के समय के ठीक है नाउ फ्रेंड्स अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आप लोगों का ठीक है आप लोगों के लिए आपको बताने बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है पूरे बिहार में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है और अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि बताइए कि सबसे ज्यादा ठीक है डिस्ट्रिक्ट वाइज सबसे ज्यादा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां सबसे ज्यादा जो है सबसे ज्यादा वन है कौन से डिस्ट्रिक्ट में और सबसे कम वन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर में अब बताइए आप लोग स्टार्टिंग में पढ़ाया था सबसे स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन ठीक है सबसे स्टार्टिंग में अगर याद आ रहा हो आप लोगों को ठीक है तो आपको बता दूं कि 7.76 परसेंट जो है आप लोगों का पूरे बिहार का जो है वन क्षेत्र है पूरे बिहार में ठीक है मतलब जितनी भी भूमि है उसका 7.76 है और सबसे ज्यादा आप लोगों को मिलेगा कैमूर में कैमूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में कैमूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में और वही अगर मैं बात करूँ सबसे कम जो है आप लोगों का तो वो मिलेंगे आपको शिवहर के अंदर में ठीक है शिवहर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ये दोनों पॉइंट भी प्लीज याद रखिएगा आप लोग इंपॉर्टेंट है कैमूर में सबसे ज्यादा जो है वन क्षेत्र है और सबसे कम शिवहर के अंदर में है ठीक है बहुत बढ़िया आ, प्रत्युष आनंद जी बहुत बढ़िया चलिए

चौबीस दशमलव छे दो प्रतिशत लिखो मेरे साथ में आप लोग भी चौबीस है? है दशमलव भी क्वेश्चन आया है, कि कि कितना है, कि हम जो है पूरे भारत का कितना प्रतिशत जो है वनाच्छादित होना चाहिए टारगेट लेकिन अभी भी हम चौबीस दशमलव छे दो प्रतिशत तक ही पहुंच पाए हैं लेटेस्ट जो दो हजार इक्कीस की रिपोर्ट है उसके अनुसार ठीक है चौबीस दशमलव छे दो प्रतिशत टारगेट है थर्टी थ्री परसेंट का ठीक है ये याद रखना है चल आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे ठीक है अब एक क्वेश्चन आपका आप लोगों से पूछा जो जा सकता है उसको भी मैं आपको दिखा दूं और पूरी की पूरी लिस्ट भी आपको आ, अवेलेबल करवा दूंगा द ट्रेडिशनल रॉड पपेट ऑफ बिहार इज नोन एज पारंपरिक रॉड कठपुतली को किस रूप में जाना जाता है ठीक है बोमा लातम ठीक है सखी कुंदे ही यमपुरी मोर देन वन ऑफ नन ऑफ बताइए देखिए फ्रेंड्स दो चीजें हैं झिझिया और यमपुरी ठीक है यमपुरी एक रॉड डांस है आप लोगों का रॉड कठपुतली डांस है आपका और झिझिया जो है वो एक सर के ऊपर में रख के मटका रख के नाचने की जो है ना ठीक है वो है आपका ठीक है तो यमपुरी जो है ये बिहार से रिलेटेड है रॉड कठपुतली वाला डांस है आपका रॉड कठपुतली वाला डांस यमपुरी बिहार का ठीक है तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट वाले डांस है जैसे माथुरी या जिसको कोप्पू कहते हैं वो आंध्र प्रदेश का है डांडिया रास धमाल गरबा गुजरात का है झिझिया और यमपुरी बिहार से है ठीक है गौर मारिया और काक्सर छत्तीसगढ़ का है काक्सर पूछा जाता है कई बार छोलिया पूछा जाता है उत्तराखंड का है समय और या लैंप डांस ठीक है लैंप डांस समय या लैंप डांस आप लोगों का ये गोवा के अंदर में होता है ठीक है उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दू की अः गोटीपुआ उड़ीसा के अंदर में है ठीक है बिहू डांस बहुत बार पूछते हैं बिहू कहां का है आसाम का है बीहू ठीक है ये याद रखना है आप लोगों ने धोबिया उत्तर प्रदेश का वैसे उत्तर प्रदेश के काफी सारे हैं जब मैं उत्तर प्रदेश के सुपर टेट वाली क्लासेस आप लोगों को करवाऊंगा जो भी बच्चे सुपर टेट देना चाहते हैं ठीक है थीके? आगे जाकर यूपी का सुपर टेट या यूपी टेट उनको भी मैं करवाऊंगा ये सारी की सारी चीजें ठीक है तो आप लोगों का ये जो ऑप्शन था ठीक है बोमलाट्टम ये कहा का है आप लोगों का बोमलाट्टम जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है ठीक है तमिलनाडु का है और सखी कुंदे ही जो है ये उड़ीसा का है सखी कुंदे ही ओडिशा का ठीक है चलिए द बिहार टाइम्स का प्रकाशन किसने किया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द बिहार टाइम्स का प्रकाशन बिहार टाइम्स का प्रकाशन किसने किया था

1937 में जो चुनाव हुआ था उस समय प्रधानमंत्री बोला जाता था चीफ मिनिस्टर नहीं बोलते थे तो मोहम्मद यूनुस बने थे इन्होंने द बिहार टाइम स्टार्ट किया था ये याद रखना है आप लोगों ने बिहार के पहले प्रीमियर फर्स्ट प्रीमियर या पहले प्रधानमंत्री उसके बाद में जो है मजहर उल हक मजहर उल हक जो है फ्रेंड्स आप लोगों के ठीक है उनका भी बहुत बड़ा योगदान है ठीक है गांधी जी के साथ में जो है वो उन्होंने काफी काम किया है हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए और उन्होंने द मदरलैंड नाम का जो है अखबार निकाला था मदरलैंड ठीक है द मदरलैंड तो मदरलैंड नाम का अखबार था अखबार तो था इंडियन नेशन ठीक है क्या इसके ऊपर में मैं घुमा फिरा के क्वेश्चन आप लोगों से पूछू आगे में जाकर कभी तो भी टेस्ट के अंदर में कितने लोग चाहते हैं अगर चाहते है तो हाथ ऊपर करके बता देंगे इनकी जोड़ियां मिलाने के फॉर्म में या अलग तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए आगे में अगर आप लोग चाहते हो तो मुझे बता देना आप लोगों को रिविजन के लिए करवा देंगे इसको चलिए बिहार पर राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन बिहार में राष्ट्रपति शासन कितने बार लगा है पहली बार कब लगा था लास्ट टाइम कब लगा था दोनों बता दो आप लोग ठीक है तो फ्रेंड्स देखिए बिहार पर राष्ट्रपति शासन की अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो 1968 में फर्स्ट टाइम लगा था ठीक है और लास्ट टाइम लगा था 2005 के अंदर में और इस तरीके से टोटल कितने बार लग चुका है टोटल जो है आप लोग पहले बताइए यहाँ पर मैं ठीक है मैंने पोल कब दिया है आपको जस्ट अभी दिया है ना चलिए ठीक है आप लोग आंसर करो साठ लोगों ने सही आंसर लगा भी दिया है आठ बार लगा हुआ है ठीक है तो पहली बार कब लगा था और लास्ट बार कब लगा था ये भी बता देना है उन्नीस में लगा था पहली बार और आखिरी बार लगा है आपका दो में ठीक है उसके बाद से नहीं लगा आपका ठीक है तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का अच्छा पहली बार जब जब पहली बार जब लगा था ठीक है 1968 के अंदर में तो उस समय में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे ठीक है मैंने आप लोगों को बताया कि 1968 में लगा था पहली बार ठीक है उस समय में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे ठीक है भोला पासवान शास्त्री ठीक है ये याद रखेंगे आप भोला पासवान शास्त्री ठीक है पहले दलित मुख्यमंत्री बिहार के भोला पासवान शास्त्री ओके और उसके अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि उस समय में गवर्नर कौन थे ये तो चीफ मिनिस्टर थे ठीक है उस समय में गवर्नर कौन थे जब पहला वाला लगा था तो नित्यानंद कनुंगो ठीक है नित्यानंद नित्यानंद ठीक है कनुंगो कनुंगो नाम था उनका नित्यानंद कनुंगो वो गवर्नर हुआ करते थे उस समय में ठीक है पहली बार जब लगा था ओके okay. अच्छा ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है ना आप लोगों का ठीक है एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है हमारे भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन से राज्य में और कौन से साल में लगा था पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता है ये आप लोगों का ठीक है तो ये आप लोग मेरे को पता करके बताएंगे ठीक है कि पूरे भारत के अंदर में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब और कौन से राज्य के अंदर में लगा था झिझिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है चलिए मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज छह हजार से ज्यादा यहां पर हम लोग देख रहे हैं एक बार सभी लोग जहां जहां भी शेयर कर सकते हैं सेशन को शेयर जरूर कर देंगे टेलीग्राम फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे ताकि ऐसे ही मैं मोटिवेशन के साथ में आप लोगों को क्लास करवाता रहू ठीक है ठीक है तो झिझिया में से किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है तो ये आपका बिहार का है ठीक है एक फोटो दिखाता हूं आप लोगों को देखिए ओके मतलब भाई डांस देखना है लड़को ठीक है तुम्हारी संख्या कम है मेरे को पता है यहाँ पर में लेकिन फिर भी डांस ये इस तरीके से होता है मटके को सर पे रख के जो है ये डांस किया जाता है आप लोगों का झिझिया डांस ओके ये याद रखेंगे आप सभी लोग और ये कहाँ पर में किया पर में होता है आपका मिथिला रीजन के अंदर में ठीक है तो ये भी याद रखना है आप लोगों ने मिथिला का जो रीजन है मिथिला ठीक है वहां पर में ये डांस आप लोगों का परफॉर्म होता है झिझिया डांस और दुर्गा भैरवी जो है देवी उनके उनको डेडिकेट होता है ये डांस आपका दुर्गा भैरवी देवी को ठीक है दुर्गा भैरवी देवी को समर्पित होता है ये डांस आपका ठीक है दुर्गा भैरवी झिझिया रीजन में दुर्गा भैरवी ठीक है दुर्गा जो भैरवी भैरवी जो देवी है उनको जो है ये समर्पित होता है दुर्गा भैरवी को ठीक है चलिए याद हो गया आपको और इस तरीके से जो है वो मटका रख के सर पे डांस करते ओके? Now, अब देखिए फ्रेंड्स एक स्कीम से रिलेटेड भी क्वेश्चन कर लेते हैं आप लोगों का 2023-24 में बिहार में भूजल संरक्षण हेतु कौन सी पहल जो है स्टार्ट की गई भूजल संरक्षण के लिए भूजल संरक्षण के लिए बताते जाएंगे आंसर और जिन लोगों ने भी अब तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स ताकि आने वाले वीडियोस भी आप लोगों को जो है टाइम से मिलते रहे देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों से बिहार में भूजल संरक्षण हेतु कौन सी पहल शुरू की गई थी आप लोगों की तो ये बहुत ही सिंपल सा है स्टेब्लिशिंग अटर फॉर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ठीक है भूजल संरक्षण के लिए आप लोगों का और इसका पूरा का पूरा जो है आ, मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है ये यहाँ पर ठीक है तो संरक्षण के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी यहाँ पर में ऐसा कहा गया है दो हजार के अंदर में बात की गई थी ठीक है और ये जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस रहेगा ये क्या करेगा भूजल संरक्षण के लिए काम करेगा यहां पर में जो सेंटर ऑफ एक्सी बनाया जाएगा ठीक है यह क्या देख रेख करेगा यह देखरेख करेगा कि भाई बिहार में किस तरीके से पानी की बचत की जा सकती है पानी को बढ़ावा देने के लिए कैसे जो है हम लोग जो है ना योगदान दे सकते हैं या क्या क्या काम किए जा सकते हैं उसके ऊपर में शोध कार्य करेगा तो यह प्रस्ताव लाया गया स्टैब्लिशिंग अ सेंटर ऑफ एक्सी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करने की बात की गई है यहाँ पर में ओके चलिए बी इज द करेक्ट आंसर नाउ फ्रेंड्स एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला आप लोगों का बिहार से परिपेक्ष में बता दे जाइए यहाँ पर मैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है फ्रेंड्स आप लोगों को भागलपुर के अंदर में मिलेगा ठीक है भागलपुर के अंदर में बनाया गया था गोपाल देवपाल धर्मपाल महेंद्रपाल तो धर्मपाल जो थे जो सेकंड नंबर के शासक थे पाल वंश के उन्होंने बनाया था ठीक है ये भी याद रखना है आप लोगों ने

चिराग जो उनके परिवार में उनके खानदान में हुए ठीक है बहुत सारे कुमार गुप्त हो गए तो कुमार गुप्त वन जो पराक्रमी थे जो सबसे बेस्ट वाले थे ना उनकी बात हो रही है यहाँ पर मैं कुमार गुप्त की तो कुमार गुप्त वन नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की ठीक है फिर पाल वंश का उदय हुआ पाल वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था गोपाल पाल वंश के संस्थापक कौन थे उनके करता जिसने जिन्होंने स्टैब्लिश किया पाल वंश को पाल वंश की स्थापना की वो उनका नाम था गोपाल उन्होंने उदंतपुर यूनिवर्सिटी जो है बिहार शरीफ डिस्ट्रिक्ट बिहार शरीफ के अंदर में उन्होंने इसको स्थापित किया था उदंतपुर यूनिवर्सिटी उदंतपुर यूनिवर्सिटी बिहार शरीफ के अंदर में फिर उनका लड़का हुआ ठीक है धर्मपाल ठीक है उसने भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आज के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ओके तो उदंतपुर यूनिवर्सिटी पाल वंश के समय में गोपाल ने की थी ठीक है और उनका बेटा धर्मपाल ठीक है उसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की ऐसा माना जाता है कि इन तीनों को ही जो है यहां पर में बख्तियार खिलजी जो था उसने आग लगा दी थी जला दिया था तोड़फोड़ कर दी थी बख्तियार खिलजी ने ऐसा माना जाता है ठीक है चलिए तो ये भी आप लोगों का हम लोगों ने पूरा का पूरा देख लिया इसकी पूरी चीज तो पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी ये याद रखना है आप लोगों ने और ऐसा माना जाता है कि ये बंगाल का और उस समय में ऑब्वियसली बात है फिर बाद में बिहार के अंदर में भी वो हुआ तो बिहार बंगाल का जो है ये पहला बुद्धिस्ट शासक था तो बंगाल के इलाके में जिसको गौड़ इलाका बोला जाता बंगाल को ही गौड़ भी बोलते हैं ठीक है थीके? तो कभी अगर आ जाए कि भाई गौड़ गौड़ साम्राज्य किसको कहा जाता है तो बंगाल को ही कहा जाता है पहले उसका नाम गौड़ा था तो गौड़ा जो है यहाँ पर में इलाका बंगाल को ही कहते हैं आप लोग तो पहला बुद्धिस्ट किंग बंगाल का या गौड़ा इलाके का था पाल गोपाल ठीक है धर्मपाल जो है उन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी नाउ फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का ठीक है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अनुसार भारत में मशरूम के उत्पादन में बिहार की रैंक क्या है कितने लोग खाते हैं मशरूम आप लोगों में से मशरूम कैसे उगता है मशरूम पता है आप लोगों को ठीक है कभी ना कभी देखा होगा बताइए अरे पोल के अंदर में कुछ दिक्कत आई है आप लोग कमेंट करके तब तक आंसर बताते रहिए फ्रेंड्स जी थैंक यू वेरी मच उदार जी अच्छा पोल गया है आप लोगों का पिछला वाला पोल ठीक है ठीक है अब आगे आप लोगों के पास में पोल तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अनुसार जो है बिहार के अंदर में आप लोगों को बताना है कि कितनी रैंकिंग है इसमें आप लोगों की मशरूम उत्पादन के अंदर में तो बिहार जो है फ्रेंड्स लार्जेस्ट मशरूम प्रोड्यूसर है ठीक है सबसे ज्यादा

लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मशरूम इन इंडिया बिहार कॉन्ग्रेचुलेन्स आप लोगों को ठीक है आप लोगों की तो निकल पड़ी ओके okay, बहुत ज्यादा वो है मस्त एक नंबर पौष्टिक होता है ठीक है पौष्टिक पौष्टिकता से भरा हुआ है चलिए फ्रेंड्स बिहार मशरूम बिहार उत्पाद बिहार जो मशरूम उत्पादन में देश का सबसे बड़ा है नाउ फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि जितने भी बच्चे हैं मैंने आप लोगों से कहा है कि टीचिंग परीक्षा ऐप पर आपको 6000 हजार से ज्यादा क्वेश्चन ऑलरेडी प्रोवाइड किए जा चुके हैं इमेज वाले सेक्शन में मैं आप लोगों से जो है फ्रेंड्स फिर से रिक्वेस्ट करूंगा मेरा बहुत बड़ा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था आप लोगों को सफलता दिलाने के लिए प्लीज ये पूरे के पूरे छह हजार क्वेश्चन को कम से कम दो दो बार रिवाइज कर लीजिए आप सभी लोग मैं आपके उनमें से टॉप कोई भी सौ क्वेश्चन निकालूंगा रैंडमली आप लोगों के लिए ठीक है तो प्लीज उसकी टेस्ट आपने देनी है उसके बाद में फिर यूट्यूब पे मैं उसका वीडियो सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा लेकिन जो ऐप एप में बच्चे है जो जो सब्सक्राइब वाले बच्चे हैं प्लीज इसको जरूर पढ़ लीजिए आप लोग मैं आपसे बार 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 इसी वजह से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ठीक है बाद में इसका यूट्यूब के ऊपर में मैं इसका सोल्यूशन भी करवा दूंगा ठीक है बट 6000 क्वेश्चन को 12000 समझ के आप लोगों ने दो बार पढ़ना है पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था कौन से साल में हुआ था ये भी बता दीजिए आप लोग ठीक है तो देखिए पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था गुरु नानक देव जी का तेग बहादुर जी का गुरु गोविंद सिंह जी का मोर देन वन ऑफ ऑफ नन तो गुरु गोविंद सिंह जी जो है ठीक है ये आ, ऐसे सिख गुरु हुए हैं दसवे नंबर के गुरु थे ये जिनका जन्म बिहार के अंदर में हुआ था आपका ओके तो इनका जन्म हुआ था फ्रेंड्स बाईस दिसंबर सोलह को ठीक है बाईस दिसंबर सोलह को ओके ये नवे नंबर के जो सिख गुरु थे गुरु तेग बहादुर गुरु तेग बहादुर उनके बेटे थे मतलब उनके पिताजी नौवे नंबर के गुरु थे और ये जो है दसवें नंबर के गुरु थे ठीक है अच्छा एक पॉइंट आप लोगों को और बताऊ ध्यान से समझना आप लोग नाइन्थ नंबर के जो गुरु थे उनका नाम आप लोग बताइए दसवें नंबर के गुरु का नाम आप बताइए तो गुरु तेग बहादुर गुरु तेग बहादुर और ये सच में बहुत ज्यादा बहादुर थे इनकी हत्या जो है फ्रेंड्स किसने करवा दी थी इनको तड़पा तड़पा के जो है मृत्यु दंड दे दिया था किसने ठीक है तो औरंगजेब ने औरंग जेब जो था उन्होंने इनकी हत्या कर दी थी निर्मम हत्या कर दी थी ठीक है चलिए उसके बाद में बारी आती है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अगर दसवें गुरु की इनके बेटे थे ठीक है गुरु गोविंद सिंह जी गुरु गोविंद गोविंद सिंह जी ओके

प्रद्युमन ठीक है एसीपी प्रद्युमन होता तो वो और वो दया और बाकी कौन कौन लोग थे उसके अंदर में हम्म कुछ तो गड़बड़ है दया और उसके बाद में एक और और भी लोग थे ना वो लोग होते तो शायद केस सॉल्व कर देते ठीक है बट एक्चुअल में अभी तक भी साबित नहीं हो पाया कि क्या मुगलों ने करवाई थी इनकी हत्या या फिर ये जमशेद खान और वसील बेग जो थे इन्होंने खुद से की थी क्योंकि अभी भी मतलब उसके बाद में जब बंदा बहादुर इनके बाद में नेता बने ठीक है सिखों के तो उन्होंने क्या किया आरोप लगाया कि मुगलों ने करवाई थी ठीक है मैं पता नहीं यहां पर जो है 1707 में जो है वो औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी औरंगजेब औरंगजेब की मृत्यु हो गई बहादुर शाह करवा दी थी ठीक है लेकिन उन्होंने हमेशा इनकार किया कि भाई मैंने नहीं कराया करके ठीक है अभिजीत था और कौन कौन था सारे लोग देखने वाले लोग हैं मतलब आप लोग ठीक है चलिए कोई बात नहीं तो ऑन अ सीरियस नोट सत्रह सात में ठीक है नांदेड़ साहिब के अंदर में महाराष्ट्र में नांदेड़ नाम की जगह वहां पर में उनकी हत्या हो गई थी ठीक है सात अक्टूबर सत्रह सो आठ को केवल बयालीस साल की उम्र में ठीक है तो सत्रह सो आठ में जो है फ्रेंड्स इनकी मृत्यु हो गई थी ये याद रखेंगे आप लोग नांदेड़ में ठीक है नाउ अब इस क्वेश्चन का आंसर भी देख लीजिए आप सभी लोग छियासठ सौ से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं जल्दी जल्दी से सेशन से को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे पचहत्तर सौ इकतालीस लाइक्स हो चुके हैं जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहना आप लोगों ने थैंक यू गुरछ आरिफ क्या गुनछा आफरीन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया विजन इंडिया सैतालीस जो है फ्रेंड्स तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का ब्लू प्रिंट में से किस निकाय द्वारा जारी किया गया है ठीक है यह आप लोगों का करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन बन सकता है ये आपका ठीक है तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का यहाँ पर में नीति आयोग नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी ये भी बता देंगे आप सभी लोग नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होती है ये भी आप लोग बता सकते हो ठीक है आंसर हो जाएगा आप लोगों का नीति आयोग ओके तो विजन इंडिया दो जिसके अंदर में बोला गया है कि दो तक टू तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का एक लक्ष्य रखा गया है ठीक है नीति आयोग का गठन जो है फ्रेंड्स वो किया गया था आप लोगों का फर्स्ट जनवरी ठीक है 2015 में इसको भी याद रख लेना क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है नीति आयोग कब बना था एक जनवरी 2015 को 1915 बोलने वालों ठीक है अंग्रेज बना के कहते थे नीति आयोग कुछ लोग 1915 लिख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स इसका आंसर करिए आप सभी लोग जल्दी जल्दी से दरभंगा जिला अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है दरभंगा की निम्नलिखित में से कौन सी कला कला रूप को विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त है ठीक है दरभंगा के बारे में बात हो रही है भाई लोग बताइए मधुबनी पेंटिंग आपका दूसरा दिया हुआ है आप लोगों का वर्ली पेंटिंग पट्ट चित्र मोर देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं वर्ली पेंटिंग जो है ना ये महाराष्ट्र की है सबसे पहले तो एलिमिनेट करो महाराष्ट्र की है ठीक है पट्ट चित्र जो है आप लोगों का ये उड़ीसा की है ये आप लोगों का एलिमिनेट हो गया ठीक है ये दो एलिमिनेट हो गया आपके ओके विश्वव्यापी दरभंगा और मधुबनी आसपास में है दरभंगा मधुबनी तो मधुबनी पेंटिंग जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों की सांस्कृतिक विरासत के लिए मधुबनी एक जिला तो है ही आपका लेकिन मधुबनी जो है उसके आसपास में दरभंगा जो पूरा एक एरिया था वहीं पे पड़ता था ये आप लोगों का इसी वजह से मधुबनी पेंटिंग जो है फ्रेंड्स आप लोगों का दरभंगा के साथ में भी जोड़कर देखा जाता है और ये इसने विश्वव्यापी जो है पूरी की पूरी मान्यता प्राप्त की हुई है ये भी आप लोगों को याद रखना है इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करूं फ्रेंड्स अलग अलग जो चीजें हैं आप लोगों की ठीक है उसके उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैं चाहूंगा कि आप लोग इस पॉइंट के ऊपर में ध्यान दें ठीक है और इन सारे जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग ठीक है कौन किस किस चीज के लिए प्रसिद्ध है सिल्क सिटी किसको कहा जाता है सिल्क सिटी

ठीक है वो भी मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर के अंदर में ठीक है तो ये भी बता दीजिए आप सभी लोग ओके चलिए बहुत बढ़िया तो आंसर जो है दोनों के दोनों आप लोग बता दोगे फ्रेंड no, निम्नलिखित में से पहला मुस्लिम सैन्य कमांडर था जिसने सेना आ, सेन वंश को हराकर बिहार और बंगाल पर कब्जा कर लिया था ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है सतहत्तर सौ लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स ठीक है आप लोगों के जितना ज्यादा लाइक एंड शेयर आप लोग करते रहोगे जितना ज्यादा आप लोगों के द्वारा चैनल को सब्सक्राइब किया जाता रहेगा आप लोग जो है इसका रिस्पांस दोगे उतना ज्यादा जो है आप लोगों के लिए और लेक्चर्स लिए ले जा सकेंगे उतने देर तक लेक्चर लिए जा सकेंगे उतना ज्यादा लंबा समय आपको दिया जा सकेगा ठीक है तो देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं महमूद गवान आदिली तो का, का है अगर आप लोगों से बात की जाए कि कि किस कौन था मुस्लिम कमांडर तो वो था बख्तियार खिलजी किसका था ये किसका पपलू था बख्तियार खिलजी जो है ये अलाउद्दीन खिलजी का पपलू था ठीक है अलाउद्दीन आपका सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक का ठीक है कुतुब उ दिन ठीक है जो था ना उसका पप्लू था ये मतलब उसका कमांडर था आया बिहार में ठीक है और किसको हराया था चलो ये बता दीजिए जी किसको हराया था ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने जिसने भी कर दिया ठीक है मान जाएंगे उसको ठीक है देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते अगर पता है कोशिश तो करो कम से कम ठीक है कोशिश तो करो कि किसको हराया था उसने ओके तो सेन वंश के जो है यहाँ पर मैं शासक थे फ्रेंड्स जिनका नाम था लक्ष्मण सेन उनको हराया था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बहुत ज्यादा इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट याद याद कर करिए आप लोग ठीक है बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन जो है उनको हरा दिया था और बंगाल बिहार के इलाके के ऊपर में कब्जा कर लिया था उसने ठीक है ये याद रखेंगे आप सभी लोग विक्रमशिला यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी उदंतपुरी मठ इनको डिस्ट्रॉय कर दिया था ठीक है चलिए नाउ फ्रेंड्स अब देखिए ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों में से कितने लोगों ने ये क्वेश्चन कभी ना कभी पहले सुना है या पहली बार ये क्वेश्चन ही पहली बार सुन रहे हो आप लोग इतना इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है आपको पता है दिल्ली सल्तनत जब स्थापित हुई ठीक है स्टार्टिंग में तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको स्टार्ट किया था उसके बाद में जो है वो इंपॉर्टेंट वाला जो राजा बना वो था इलतुत्मिश उसके बीच में आराम शाह भी बना था आठ महीने के लिए ले। लेकिन मेन था इलतुतमिश ठीक है इलतुतमिश के बाद में रजिया वगैरह बनी लेकिन जो सबसे इम्पोर्ट रजिया बनी रजिया इलतुतमिश की बेटी थी रजिया से पहले यहां पर में जो है रुकनुद्दीन अहमद भी बना था रुकनुद्दीन रजिया का भाई ठीक है लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला आता है वो आता है बलबन गुलाम वंश के अंदर में बलबन तो बलबन एक शासक था दिल्ली सल्तनत का यहाँ पर में जो शासन कर रहे थे ना दिल्ली सल्तनत का जब वो गद्दी पे बैठा बलबन बलबन नाम का जो शासक था जब गद्दी पे बैठा तो सिक्सटी थ्री हाथियों का उपहार भेंट किया था उसको किसी ने बताइए किसने किया था ओके सिक्सटी थ्री जो है यहां पर में तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स यहां पर में ठीक है तरतार तातार खान ने ठीक है तो आप लोगों का आंसर जो है यहाँ पर मैं आपका हो जाएगा आ, आ, मैं आप लोगों को यहां पर मैं दिखा भी देता हूँ फ्रेंड्स ओके तारतर खान जो थे उन्होंने किया था यहाँ पर में. ये वो ऑप्शन को आप लोग जो है यहाँ पर मैं उसको देख लेना कोई इशू नहीं है ठीक है तो सिक्सटी थ्री एलिफेंट जो है वो तारतर खान ने उनको किया था जो गवर्नर थे उस समय में बिहार के ठीक है उन्होंने जो है ये ये बात पता कैसे चली आपको देखो इसका प्रूफ क्या है सबूत क्या है कि तारतर खान जो थे उन्होंने इसको ये दिया था इसका सबूत है आपके पास में फ्रेंड्स ठीक है बारादारी इंस्क्रिप्शन ठीक है बारादारी जो इंस्क्रिप्शन है बिहार शरीफ के अंदर में उस पर उन्होंने ये लिखवाया है कि जब बलबन शासक बना तो उसको पैंसठ जो है वो दिए गए थे ठीक है तो ये भी आप लोग याद रख लें आप लोगों ने ठीक है तातर खान जो था उसने तिरसठ हाथियों का उपहार भेंट किया था बिहार बिहार शरीफ में अरबी के अंदर में बाराद बारादारी जो शिलालेख है उसके अंदर में आप लोगों को इसका उल्लेख भी मिलता है इसके अलावा जो है ये बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान भी था उसने क्या किया तफसिखानी नाम से एक बुक लिखी है तफसीर तातर खानी इसमें कुरान कुरान की की मतलब आयत जो लिखी है ना उसका तर्जुमा किया है तर्जुमा मतलब ट्रांसलेशन और उसके बारे में पूरा विस्तार से लिखा है कि इस आयत का क्या मतलब है इसका मतलब क्या है तो तफसीर तातर खानी नाम से पुस्तक भी लिखी तुम्हारे भाई ने तफसि तातर खानी ठीक है तातर खान ठीक है टार्टरिक एसिड से कुछ लोग उसको याद रख रहे चलो रख आप लो आप लोग टार्टरिक एसिड ठीक है नाउ फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा इसका सबूत जो है फ्रेंड तातर खान वाला जो है आप लोगों का बारादारी जो शिलालेख है उसके अंदर में मिलता है आपको ठीक है चलिए राजा जी यहाँ पर मैं बोल रहे हैं कि दस हजार लाइक्स पूरे करना है सभी फ्रेंड्स को तो चलिए जल्दी जल्दी से कर दीजिए आप लोग जो है सात हजार आठ सौ उनहत्तर लाइक्स हो चुके हैं अब तक मतलब आ, हो जाएगी अगर आप लोग जो है सभी लोग एक साथ मिलकर आ, प्रयास करोगे तो बिल्कुल हो जाएगी तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स पर मैं बिहार पर्यटन नीति 2023 के अनुसार 50 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए प्रस्तावित अधिकतम पूंजी सब्सिडी प्रतिशत क्या है ठीक है देखिए यहां पर मैं क्या है फ्रेंड्स ये बोला जा रहा है कि अगर कोई भी बिहार के अंदर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रुपए से अधिक का अगर निवेश करता है कल यहाँ पर मैं मान लीजिए कि मुकेश अंबानी आ जाए वो बोले कि मैं बिहार में निवेश करता हूँ ठीक है बिहार का टूरिज्म बढ़ाने के लिए ताकि बाहर से भी और लोग आए बिहार के अंदर में घूमने फिरने के लिए ठीक है तो इस नीति के अनुसार दो की नीति के अनुसार अगर पचास करोड़ से अधिक का कोई निवेश करता है तो उसको पच्चीस ठीक है उसको सब्सिडी मिलेंगी ठीक है पच्चीस परसेंट की सब्सिडी मिलेंगी तो बढ़िया है ना ठीक है तो जो भी लोग है जैसे काफी सारे लोग हैं जो कई बार झगड़ा चलता रहता ना कि बिहार से बाहर से लोग आ रहे हैं या कुछ लोग बोलते हैं कि भाई अलाउ करना चाहिए बिहार को कुछ लोग बोलते नहीं करना चाहिए जो भी है तो यहाँ पर मैं बिहार सरकार चाहती है कि एटलीस्ट पर्यटन को बढ़ावा मिले ठीक है तो यहाँ कम से कम 25 जो है आप लोगों को अधिकतम 25 परसेंट की सब्सिडी मिलेंगी अगर आप 50 करोड़ से ज्यादा का निवेश करते हो तो तो जितने भी लोग हैं भाई देखो जमा करो सब लोग मिलके और 50 पचास करोड़ रुपए का निवेश कर दो बिहार में पच्चीस की सब्सिडी मिल जाएंगी आप लोगों को तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इसका मकसद ये है ये सब्सिडी देने का ठीक है कि भाई पर्यटन को बढ़ावा मिले बिहार के अंदर में। जादा से जादा बिहार के लिए दिखाया है आप लोग बता दीजिए कितने जो है यहाँ पर लोगों ने देखा है वो वीडियो ऐप कि के ऊपर में डाला हुआ है आपके लिए तो पचास पच्चीस परसेंट ठीक है अगर मान लो किसी ने सौ करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए ठीक है तो उसको कितना मिलेगा पच्चीस करोड़ रुपए की सब्सिडी मिल जाएंगी पच्चीस करोड़ रुपए का जो है आ, उसको मतलब सरकार उसके उसके तरफ से सरकार वो पैसा भरेगी ठीक है जो भी वो उद्यम लगा रहा है या निवेश को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो भी चीजें बना रहा है उसके अंदर में ठीक है नाउ फ्रेंड्स बिहार बिहार से भारत की संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था चलिए आंसर भी करते रहिए आप लोग अनुग्रह नारायण सिन्हा राजेंद्र प्रसाद जगजीवन राम श्याम नंद प्रसाद मिश्रा कौन नहीं था बोल रहा है यहां पर मैं आप लोगों से ठीक है आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का हो जाएगा यहां पर में कौन नहीं था तो सारे के सारे लोग थे तो नन ऑफ दी अब आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सारे के सारे लोग जो थे फ्रेंड्स आप लोगों के बिहार संविधान सभा के अंदर में बिहार के तरफ से गए थे ओके तो अनुग्रह नारायण सिन्हा बिहार संविधान बिहार के तरफ से संविधान सभा के सदस्य थे राजेंद्र प्रसाद तो अध्यक्ष भी बने थे बाबू जगजीवन राम ठीक है बिहार की तरफ से ही गए थे ठीक है तो ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स की बाबू जगजीवन राम ठीक है बाबू जगजीवन राम को कौन सा वाला डिपार्टमेंट दिया गया था बताओ आपको बताया था कि नहीं बताया था मैंने ये चीज आपको पता है चंडीगढ़ एन के अंदर में ये क्वेश्चन आया मैं टीम से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर पॉसिबल हो अगर वो हमारे पास में अवेलेबल है तो आप लगा दीजिए उसको भी तो जगजीवन राम जो है फ्रेंड्स इनको लेबर डिपार्टमेंट दिया गया था लेबर डिपार्टमेंट श्रम मंत्रालय ठीक है ठीके? उनके नाम से ही लगता है ना जगजीवन राम जी ठीक है श्रम देखते होंगे करके श्याम नंदन प्रसाद मिश्र भारत की संविधान सभा के सदस्य थे ये भी ओके चलो नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कृषि विश्वविद्यालय का घर है जो मिथिला मखाना की खेती पर किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए दरभंगा में मखाना अनुसंधान केंद्र के साथ सहयोग कर रहा है करंट अफेयर का क्वेश्चन और भाई आप लोगों का स्टैटिक भी है ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा ये यूपी से लोग आ रहे हैं काफी सारे तो मतलब यूपी का एक क्वेश्चन भी बनना चाहिए बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ठीक है मिथिला मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा बिहार उत्तर प्रदेश के किसानों को मिथिला मखाना खेती के लिए जो है आ, कौन कर रहा है ठीक तो एग्रि, है तो देखिए फ्रेंड्स पर मैं एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है अयोध्या कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या कृषि विश्वविद्यालय ये क्या कर रहा है मिथिला में जो मखाना उगता है ठीक है उस मखाने के ऊपर में अनुसंधान करने में ठीक है दरभंगा में आ, मिथिला दरभंगा के इलाके के अंदर में जो खेती होती है उसमें क्या कर रहा है किसानों को प्रशिक्षित कर रहा है ताकि मखाने की पैदावार को बढ़ाया जा सके ठीक है ज्यादा से ज्यादा मखाना जो है वो उत्पादित करवाया जा सके तो आंसर आप लोगों का यहाँ पर में हो जाएगा अयोध्या डायरेक्ट क्वेश्चन है आप लोगों से एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है ठीक है तो प्लीज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखिएगा ठीक है ताकि आप लोग जो है इन सारे के सारे चीजों को अच्छे से आप लोग कर सके ठीक है तो अयोध्या जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिथिला मखाना के लिए उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए दरभंगा के किसानों को मिथिला के किसानों को ट्रेनिंग दे रही है अयोध्या एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ठीक है तो एक दूसरे की मदद करते रहनी चाहिए यहाँ पर में ठीक है सबका साथ सबका विकास इसी तरीके से होता है ठीक है तो ये भी एक पॉइंट है आप लोगों का जो आपसे पूछा जा सकता है बिहार के जीआई टैग करवा दीजिएगा सर तो बिल्कुल आप लोग कहोगे तो मैं बिल्कुल करवा दूंगा और कौन कौन सी चीजें हैं जो आप लोग करना चाहते हो वो भी मुझे बताइए आप सभी के सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं सेशन को ठीक है सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए आप सभी लोग ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों को और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को करवा सकूँ ठीक है तो ये ये पॉइंट था आप लोगों का मैं आप लोगों के लिए एक जो है एक रिक्वेस्ट करूंगा इस सेशन के बाद में जब भी ये सेशन खत्म होगा आप आप लोगों लोगों का उस सेशन के बाद में आप लोगों ने क्या करना है है ठीक उसके बाद में आप लोगों ने जो है एक दूसरे से सवाल पूछने जो भी मैंने क्वेश्चंस आपको पढ़ाए हैं जो भी चीजें मैंने आपको पढ़ाया है एक दूसरे से आप लोग सवाल पूछोगे आप लोग आधे घंटे का समय दीजिए जो है अराउंड थ्री थर्टी को ठीक है टीचिंग परीक्षा के कि किसी भी कोर्स में आप चलिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को बीपीएससी के कि किसी भी कोर्स में चलिए चाहे टीआर फोर हो टी आई थ्री हो रिजन हो किसी भी उसमें आप लोग चले जाइए उसके अंदर में आप लोगों को जो है है फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को इसकी आज जो हमारा हुआ सेशन उसकी टेस्ट आपको मिल जाएगी ठीक है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे आपको टेस्ट ठीक है जी इसके अलावा जो है आप लोगों का कल एक महामेराथन होने वाला है जिसके अंदर में मैं जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं पूरे हमारे इसमें ठीक है पेपर में आने वाले जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है आप लोगों के ताकि आपका आ, जो है सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाए वो मैं आपको करवा करवाने वाला हूँ तो कल भी सभी के सभी लोग जो है वो आ जाएंगे आप लोग ओके चलिए ईवीएस के क्वेश्चंस जो बोल रहे हैं ना मैं ईवीएस वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो भी आप लोगों को करवा दूंगा इसके अंदर में पॉलिटी भी पॉलिटी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सारा का सारा इंक्लूड रहेगा कल आप लोगों का ठीक है सारा का सारा इंक्लूड रहेगा और पूरे इंडिया का इंक्लूड रहेगा वो जो आप लोगों से पूछा जाता है करंट अफेयर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी और एक क्वेश्चन में आप, एक सेशन में ऐसा लूंगा जिसमें आपका पूरा जो आठ महीने का करंट अफेयर है वो करवा दूंगा आप लोगों से ठीक है तो ये सेशन के नीचे में आप लोग क्या करोगे फ्रेंड्स इस सेशन के नीचे में आप लोग एक दूसरे से सवाल जरूर पूछते रहोगे ठीक है एक दूसरे से सवाल जवाब आप पूछते रहना और सेशन को लाइक like जरूर कर दीजिएगा शेयर कर दीजिए सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो ठीक है और मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड्स अगले लेक्चर के अंदर में जो हमने पांच हजार का आप लोगों को मैंने दिया था कि पांच हजार पहले क्वेश्चन के अंदर में होने चाहिए बच्चे वो आप लोग जो है उसको पूरा करोगे ताकि मोटिवेशन रहे और और ज्यादा बड़े बड़े सेशंस में आप लोगों के लिए ले सकूँ ठीक है चलिए तो नीचे में सवाल जरूर पूछ लीजिएगा एक दूसरे से अभी के अभी आप लोग ओके और कल वाले सेशन के लिए नोटिफाई मी का बटन दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिलता रहे ओके चलो थैंक यू वेरी मच टेक केयर एंड बाय गॉड ब्लेस यू थैंक यू फ्रेंड्स बाय थैंक यू